नमस्कार सभी को, राम राम जी। और इस वीडियो में हम लोग आपको देखो हेडिंग दिख ही गया होगा कि हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर वर्ड होता है और उसका क्या मीनिंग होता है। ये कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है। तो लगभग हम इस वीडियो के अंदर 450 या 500 के करीब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखो बात तो वही है कि आपको ही करनी पड़ेगी मेहनत, लेकिन मैं थोड़ा सा रिलेट करना सिखा दूंगा कि कैसे आपको रिलेट करना है वर्ड्स को, जिससे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी हमें वर्ड्स को याद करने में जी, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने उन्हीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अरेंज किया है जो जनरली हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट होते हैं जी, ठीक है जी। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास है एपोस्टेट, ठीक है। एपोस्टेट का मतलब होता है कि ऐसा बंदा जिसने अपना धर्म ही त्याग दिया हो, वन हु गिव्स अप वंस रिलीजन, ठीक है जी। बस इतना ही डिस्कस करेंगे हम लोग मीनिंग में, जैसे क्या है सुनने में आपको पता लगे कि हाँ इसका मीनिंग पर्टिकुलर ये है जी, ठीक है जी। सेकंड देखते हैं पैगन। जो पैगन वर्ड होता है हमारा, इसका मतलब होता है कि ऐसा बंदा हु डजंट फॉलो, जो फॉलो नहीं करता किसी भी एस्टेब्लिश रिलीजन को, मतलब उसका खुद का ही अपना रिलीजन होता है जो पहले से लोग मानते आ रहे हैं, वो उसको वो बिलीव नहीं करेगा जी, ठीक है जी, फॉलो नहीं करेगा उसको, वो पैगन हो जाएगा हमारा। थर्ड है थीस्ट। थीस्ट होता है हमारा आस्तिक बंदा जो विश्वास रखे गॉड में, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा अथीस्ट, जो बिलीव ना करे गॉड में जी, ठीक है, नास्तिक हो जाएगा ये। पॉलीथीस्ट जो वर्ड है उसका मतलब होगा हु, वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स। देखो जो वर्ड पॉली है इसका मतलब ही होता मैनी, ठीक है। एक वर्ड था मोनो, मोनो का मतलब होता वन। अगर वर्ड है मोनोथीस्ट, इट मीन्स ऐसा बंदा जो पर्टिकुलर एक गॉड में विश्वास रखे। अगर है पॉलीथीस्ट, इट मीन्स वो मैनी गॉड में विश्वास रखेगा जी, ठीक है जी। सिक्स्थ है पेनथीस्ट। देखो जो वर्ड पेन है इसका मतलब होता है ओल। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कई बार, पेन इंडिया, पेन हिसार, ठीक है जी। तो पूरे हिसार में, पूरे इंडिया में, तो पेन मीन्स ओल होता है जी। पेनथीस्ट का मतलब वन हु बिलीव्स दैट एवरी थिंग इज गॉड एंड वाइस वर्सा, मतलब ऐसा बंदा जो ये समझे कि भगवान ही सब कुछ है और सब कुछ ही भगवान है, वो क्या हो जाएगा हमारा, पेनथीस्ट हो जाएगा। एग्नोस्टिक बंदा वो होता है जो डाउट करे कि यार भगवान है भी है कि नहीं है। जो देखो जो आज के ज़माने में साइंस को मानते हैं लोग, वो ये कहते हैं कि गॉड पार्टिकल होते हैं, गॉड नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तो उन बंदों को जनरली हम कह सकते हैं कि एग्नोस्टिक बंदे हैं वो। देखो रियलिटी तो है, गॉड इज हमारे मतलब एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। मतलब आस्तिक के लिए तो एग्जिस्ट है, नास्तिक के लिए तो एग्जिस्ट करता है यानी कुछ भी नहीं है, ठीक है। कर्म ही सब कुछ होते हैं, अपना काम करो और फल पाओ। लेकिन देखो जो बात होती है, चलो इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइकनोक्लास्टिक, जो आइकनोक्लास्टिक वर्ड होता है इसका मतलब होता है वन हु ब्रेक्स इमेजेस स्टैचूज सेट अप रूल्स, मतलब ऐसा बंदा जो पर्टिकुलर, जैसे इमेजेस का मतलब हो गया जैसे कोई स्टैचूज होते हैं, ठीक है, किसी की मूर्ति को तोड़ देना, किसी के सेट अप रूल्स को खंडन कर देना, मतलब लोगों की बात ना मानना एक्चुअल में ये होता है। और लोगों की बात ना मानने से मतलब मेरा ये है कि वो सेटअप रूल्स होते हैं, सभी लोग उनको फॉलो करते हैं, लेकिन ये बंदा उनको पर्टिकुलर फॉलो नहीं करता जी, ठीक है, वो बंदा आइकनोक्लास्टिक हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है आइडलेटरी। जो आइडलेटरी वर्ड होता है मतलब जो आइडल्स की क्या करता है, पूजा करता है। देखो जो आइडल वर्ड होता है उसका मतलब होता है कोई पर्टिकुलर इमेज, ठीक है जी। वर्शिपिंग ऑफ इमेज और स्टैचूज, मतलब मूर्ति पूजा को ही हम लोग कहते हैं आइडलेटरी जी, ठीक है, आइडलेटरी वर्ड होता है हमारा ये। तो आगे बढ़ते हैं अल्टार। अल्टार जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है एन एलिवेटेड प्लेस फॉर वर्शिप। देखो जो अल्टार कहेंगे हम लोग, एलिवेटेड का मतलब हो गया मतलब हमारे से ऊंची जगह पे कोई ऐसी जगह होना जहाँ पे हम लोग वर्शिप कर सके, ठीक है। जैसे जो चर्च में होता है ना, चर्च में होता है, मस्जिद में होता है, एक पर्टिकुलर जगह होती है, मतलब जैसे भगवान की बनाने की होती है जगह एक पर्टिकुलर, और उसको थोड़ा सा इलेवेटेड किया जाता है। इलेवेटेड मतलब उसको थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाता है कि लोगों को लगे कि ये हमारे भगवान की प्रतिमा है जी, ठीक है, तो उसको अल्टार बोलते हैं। ब्लास्फेमी नेक्स्ट वर्ड है। ब्लास्फेमी होता है डिसरिस्पेक्ट करना गॉड की। देखो जो हम पर्टिकुलर ये वर्ड डिस्कस कर रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं गॉड का डिस्कस हुआ है। अगर गॉड को डिस्कस किया है तो कोई उसको मान रहा है, कोई उसको नहीं मान रहा, कोई एक को मान रहा है, कोई कईयों को नहीं मान रहा, तो ये पर्टिकुलर एक टाइप के वर्ड हो गए, ठीक है जी। तो इनको साथ में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यहीं पे। तो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं गॉड के, तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं उसकी, ब्लास्फेमी, ठीक है जी। ट्वेल्थ वर्ड वी हैव सैक्रिलेज। जो सैक्रिलेज वर्ड होता है इसका मतलब होता है
डिसरिगार्डिंग ऑफ चर्च एंड इट्स रूल्स। देखो होता क्या है, चर्च यहाँ पे जरूरी नहीं कि टेंपल हो सकता है, हमारा मस्जिद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक टेंपल या भगवान की जगह को क्या करना, डिसरिगार्ड करना कि यहाँ पे भगवान नहीं है, वो नहीं है, ठीक है जी। और उसके रूल्स को कि बाहर चप्पल निकालनी है, अंदर हाथ जोड़ के जाना है, घंटी बजानी है, इन चीज़ों को ना मानने वाला बंदा क्या करेगा, उस चीज़ को सेक्रिलेज करेगा जी, ठीक है जी। सेक्युलर, सेक्युलर बंदा वो होता है हु डजंट डिस्क्रिमिनेट ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म के नाम पर भेदभाव ना करे, ऐसा बंदा क्या होगा, सेक्युलर होगा। जो हमारी कंट्री है संविधान में नाम लिख रहा है सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर का मतलब होगा हमारी कंट्री में धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी से, इस तरफ कहने की बात है, आपको पता ही है। फेनेटिक, जो फेनेटिक हमारा 14 वर्ड है, हु एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग। देखो एंथुसियास्टिक का मतलब होगा उसके अंदर एंथुसियाज्म है, बिल्कुल मतलब प्रेरणा है उसके अंदर करने की कुछ, तो किसी भी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को सोचकर वो अपने अंदर कट्टरता ले आना ही उसका क्या होता है, फेनेटिक होना। और एक्चुअल मीनिंग बताऊँ तो आप लोगों को इसका मतलब होता है कट्टर, फेनेटिक, ठीक है। 15 है बाइगोट। देखो इसका मतलब और इसका मतलब दोनों मतलब सेम ही होता है, कट्टर होना, लेकिन ये होता है एंथुसियास्टिक कि उस चीज़ के बारे में मतलब सोच रहा है कि ऐसा होगा उसके बाद ऐसा होगा, लेकिन जो बाइगोट होता है वो होता है एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक अबाउट वंस रिलीजन, रेस और पॉलिटिक्स, मतलब अपने धर्म के प्रति, अपनी जाति के प्रति या अपनी कोई सभा के प्रति कट्टरता दिखाना, वो होता है बाइगोट। देखो जो बीजेपी जो कोई पर्टिकुलर मतलब किसी को पार्टी को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बाइगोट कहलाएंगे, फैनेटिक नहीं कहलाएंगे जी, ठीक है जी। 16 है पिलग्रिम। पिलग्रिम होते हैं मतलब ऐसा बंदा जो मतलब धार्मिक स्थलों को क्या करता हो, विजिट करता हो, ठीक है, उसको कह देंगे हम लोग हेरेटिक। हेरेटिक होता है हुन हुई अगेंस्ट वंस रिलीजन और पॉपुलर बिलीफ्स, मतलब ऐसा बंदा जो अपने ही रिलीजन्स के और उसके बिलीफ्स को क्या करे, अगेंस्ट हो उनके कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए वगैरह जी, ठीक है। हेरेसी, हेरेसी वर्ड होता है एन ओपिनियन दैट डिसएग्री स्ट्रॉन्गली विद द मोस्ट पीपल बिलीव। देखो हेरेटिक का मतलब कोई पर्टिकुलर बंदा होता है जो रिलीजन और उसके पॉपुलर बिलीफ से क्या करेगा, अगेंस्ट होगा, लेकिन ऐसा कोई ओपिनियन जो डिसएग्री करे सभी लोगों से वो होगा हेयर से हमारा जी, ठीक है जी। 19 है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो देखो अब जो पर्टिकुलर वर्ड आएगा ना वो क्रेसी वाले आएंगे, क्रेसी का देखो मैं मतलब बता देता हूँ आप लोगों को, टू रूल, ठीक है, कहीं पर रूल करना, किसी को मतलब अपने अंडर रखना, वो होता क्रेसी। और इसके अंदर डेमो का मतलब पीपल, तो हमें रूट वर्ड्स थोड़ा ज़्यादा पता लग जाएगा इन पर्टिकुलर वर्ड्स का। डेमो मीन्स पीपल, तो ऐसा डेमोक्रेसी ऐसा रूल जो पीपल के द्वारा किया जाए जी, ठीक है, लोग उसको चलाने वाले हों, जैसे हमारी इंडिया डेमोक्रेटिक है जी। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिशियल बंदे, तो ऑफिशियल बंदे चलाएंगे इसको। प्लूटो का मतलब होता है रिच लोग, ठीक है। देखो आपको जनरली मतलब पर्टिकुलर ये वर्ड ही याद रखने हैं, ज़्यादा कुछ होता नहीं इसके अंदर, इन वर्ड्स के अंदर, ठीक है जी। 22 है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब होता है जैसे नोबल पीपल होते हैं ना, ठीक है, और नोबिलिटी मतलब एक विचारधारा टाइप में, जैसे कोई बंदा पर्टिकुलर रोल नहीं करेगा वहाँ पे, एक विचारधारा रोल करेगी, उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं हम लोग। अरिस्टो का मतलब होता है नोबल पीपल, जो एक हमारे से एज में बड़े हो गए या उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो लोगों की सरकार को चलाएं तो होगा अरिस्टोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी होता है जिन बंदों के पास मेरिट्स होती हैं, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, ठीक है, जो बुद्धिजीवी होते हैं, ठीक है जी। नियोक्रेसी, नियो का मतलब न्यू, मतलब ऐसे बंदे जो इनएक्सपीरियंसड हैं, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो अगर रूल करें तो नियोक्रेसी होगी। योगा ओक्लोक्रेसी, ओक्लोक्रेसी का मतलब होता है कावर्ड, जो सॉरी क्राउड, कावर्ड नहीं क्राउड, क्राउड मतलब एक भीड़ पर्टिकुलर किसी कंट्री को रूल करे, किसी जगह को रूल करे, वो जगह ओक्लोक्रेसी। थियो, देखो थियो हम लोगों ने वर्ड किया था एथीस्ट में, ये जो थियो वर्ड है ना इसका मतलब ही होता है मतलब रिलीजन या गॉड की, ठीक है, मतलब एक स्पिरिचुअल चीज़ से रिलेटेड रिलेशन होता है थियो वर्ड का जी, ठीक है। तो थियोक्रेसी का मतलब रूल्स बाय लॉ ऑफ रिलीजन, मतलब पर्टिकुलर रिलीजन के कोई लॉ हैं और वो लॉ ही वहाँ पे क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं जी। मोनार्की, देखो मैंने कहा था मोनार्की, मोनो का मतलब हम लोगों ने किया था एक पर्टिकुलर एक बंदा, तो मोनार्की हो जाएगा मतलब, इसमें देखो आर की वर्ड आया, आर की का मतलब होता क्रेसी, एक ही बात होती है जी।
क्रेसी होता है कोई पर्टिकुलर अपने रूल्स लगाना, आरके का मतलब साम्राज्य टाइप में मतलब जी, ठीक है, लेकिन मीनिंग सेम ही होता दोनों वर्ड्स का जी। मोनार्की का मतलब होता है रूल बाई अ किंग और क्वीन, एक ही बंदे से। ओलीगार्की का मतलब होता है ओलिग, देखो ओलिग जो वर्ड उसका मतलब फ्यू, ठीक है, मतलब कुछ से होते हैं, तो रूल बाई अ फ्यू पीपल। एनार्की, एनार्की मतलब वहाँ पे कोई रूल है ही नहीं, नो रूल। कि फिर क्या है कैकिस्टोक्रेसी, कैकिस्टोक्रेसी का मतलब होता है अनप्रिंसिपल प्रिंसिपल, मतलब ऐसे बंदे जिनके प्रिंसिपल ही नहीं है, जिनके सिद्धांत ही नहीं है, काइंड ऑफ आप इसको नियोक्रेसी से रिलेट कर सकते हो जी, ठीक है। काकिस्टोक्रेसी का मतलब होगा ऐसे बंदे जिनकी क्वालिफिकेशन ही कम है, ठीक है, वो बंदे हमारे काकिस्टोक्रेसी में आ जाएंगे। फिर आ गैरेंटोक्रेसी, देखो जो वर्ड जी ई आर होता है ना, जी ई आर ई, इसका मतलब ओल्ड होता है, ठीक है, ये जेन डिजीज भी होता है, मेरे को ध्यान नहीं है, इसमें जी ई आर ई आता है, मतलब ये रूट वर्ड है जो जनरली ओल्ड को या जैसे बूढ़े लोगों को रेफर करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, तो रूल्ड बाई ओल्ड पीपल, सिंपल सी बात है। फिर स्ट्रेटोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब होगा कोई मिलिट्री वगैरह से, स्ट्रेटो जो वर्ड है ना वो मिलिट्री से हमारा। फिर हमारी क्रेसी खत्म हो गई, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनएविटेबल, देखो जो इनएविटेबल मतलब वर्ड होता है ना, इसका मतलब होगा जिसको टाल नहीं सकते हम लोग, कांट बी अवॉइडेड, अगर इन हटा दें तो क्या बन जाएगा एविटेबल, इट मीन्स उसको टाल सकते हैं हम लोग, मतलब कैन बी अवॉइडेड, ठीक है जी। तो एक ही वर्ड से दो वर्ड हमें याद करने हैं यहाँ पे जी। 35 है इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब है जिसको हम लोग हरा ना सके, और विंसिबल का मतलब जिसको हम लोग हरा सके, सिंपल सी बात है। इनडेलिबल, देखो डेली जो वर्ड है ना डिलीट से आया ये, और डिलीट का मतलब जिसको हम लोग ख़त्म कर सके, रिमूव कर सके, इरेज कर सके, वो होगा डेलिबल। लेकिन इनडेलिबल का मतलब उसको क्या नहीं कर सकते हम लोग, रेज नहीं कर सकते, ठीक है, डिलीट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते उसको। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है कांट बी बिलीव्ड, और बाकी इसका मतलब होता है वंडरफुल भी होता है इनक्रेडिबल का, ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया। तो क्रेडिबल का मतलब इसको हम लोग बिलीव कर सकें जी। तो एक ही वर्ड में दो चीज़ें आ रही हैं हमारी, ठीक, आगे बढ़ते हैं। 38 है इनकम्बस्टिबल, देखो जो कम्बस्ट वर्ड होता है ना, एक्चुअली मैं जब पहले टीवी देखा करता था, आप तो नहीं देखते मतलब मूवीज़ वगैरह, जैसे क्या कम्बस्ट वर्ड है ना, मैं एक पोकेमोन देखा करता, जैसे कार्टून पे आता था पोकेमोन नाम का कोई सीरियल, उसमें एक पोकेमोन का नाम ही कम्बस्टिबल था, और उस कम्बस्टिबल पोकेमोन की एक पर्टिकुलर मतलब एबिलिटी थी कि वो आग को मतलब यूज करेगा, तो कम्बस्ट का मेरे को वहाँ से याद हो गया था कि कम्बस्ट का मतलब होता फायर, ठीक है। तो इनकम्बस्टिबल का मतलब जो जलेना, दैट कांट बी बर्न, फायर प्रूफ कह देंगे, फायर रेजिस्टेंट कह देंगे इसको, ठीक है जी। इनडिस्पेंसिबल, डिस्पेंसिबल का मतलब होता है जहाँ से आप कुछ चीज़ ले सको, ठीक है, और इनडिस्पेंसिबल का मतलब होगा उस चीज़ को आप अलग नहीं हो पाओगे, वो आपके साथ अटैच ही रहेगी वहाँ पे, डिस्पेंसरी होती है जहाँ से हम कुछ ले पाएंगे जी, ठीक है। इनसरमाउंटेबल, रुचो, इनसरमाउंटेबल जो वर्ड है ना, इसका मतलब होगा दैट कांट बी ओवरकम, जिसको हम जीत नहीं पाएंगे, इसका मतलब इनविंसिबल से काइंड ऑफ आप रिलेट कर सकते हो जी, ठीक है। 41 इनवल्नरेबल, देखो वल्नरेबल का मतलब होता है ऐसा है, ठीक है, लेकिन इनवल्नरेबल का मतलब हो गया जिसको हम लोग हार्म नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब उसके पास सहारा है, इनवल्नरेबल का मतलब होगा जिसको हम हार्म नहीं पहुंचा सकते, और वल्नरेबल का मतलब जिसको हम हार्म पहुंचा सकते हैं जी, ठीक है। अनइंटेंजिबल, अनइंटेलिजिबल का मतलब हो गया दैट कांट बी अंडरस्टूड, देखो इंटेलिजेंस की बात हो रखी है, इंटेलिजेंस की बात करना मतलब कुछ ना कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग से बात होगी, तो वही हो गया। अन या इन लगा इट मीन्स नो, ये बात ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है जी। एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब होगा, देखो एलिजिबल होता है वैसे ऐड हम बोलते हैं, एलिजिबल का मतलब होता है वो जैसे एलिजिबल नहीं उसके लिए, तो हम तो उसके लिए मतलब क्या वो पर्टिकुलर उसने फॉर्म एक पार्ट काइंड ऑफ से वो अप टू द मार्क नहीं है उसके लिए, ठीक है। ये इलेजिबल है, इलेजिबल का मतलब होगा जिसको हम रीड नहीं कर पाएंगे जी, ठीक है, जिसको पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इम्प्रेगनेबल, प्रेगन जो वर्ड है ना प्रेगन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को हम पेनेट्रेट कर देना, इसको मतलब चीर देना, दैट कैन बी ब्रोकन इनटू, जिसको हम तोड़ नहीं पाएंगे वो क्या हो जाएगी, इनप्रेगनेबल। इनप्रैक्टिसिएबल, जिसको हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इनऑडिबल, जिसको हर सुन नहीं पाएंगे। इनविजिबल, जिसको देख नहीं पाएंगे। और इन हटा दें वो चीज़ हो भी सकती है फिर वहाँ पे। ऑडिबल का मतलब सुन सकते हैं हम लोग, ठीक है जी। इनएक्सेसिबल, जिसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इनएफेबल, देखो एफेबल का मतलब हो गया हम पर्टिकुलर चीज़ को मतलब समझाना, ऐसी चीज़ जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे वर्ड्स में,
ठीक है, तो हमारी इनएफेबल होगी। इनएक्जोरेबल, एक्जोरेबल का मतलब होगा दैट कांट बी मूव्ड बाई प्लीडिंग, मतलब जो फिसले ना। अब फिसलने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि वो चलते चलते फिसल गया, फिसलने का मतलब वो जिसको हम मना नहीं पाएंगे जी, वो होगा हमारा इनएक्जोरेबल। ठीक है जी। इनटेंजिबल, देखो टेंज वर्ड होता है टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब होता है टचेबल, जिसको टच कर पाएंगे, और इनटेंजिबल का मतलब हो गया एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम टच नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सिर्फ उसको फील करना, मतलब फील ही कर पाएंगे थोड़ा बहुत। इनकोरिजिबल, कोरिजिबल का मतलब होता है करेक्ट करना, इनकोरिजिबल का हम लोग करेक्ट नहीं कर पाएंगे। रिपेरेबल, इसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे। रोडेंट, देखो हमारी ये एक टाइप के वर्ड कंप्लीट हो गए, अब नेक्स्ट वर्ड आते हैं हमारे। जो वर्ड रोडेंट होता है ना, ऐसे एनिमल या ऐसे इंसेक्ट जो ना करते हैं, ना मतलब कुतरते हैं, कुतरते चूहा हो गया, ठीक है, इस टाइप के जो इंसेक्ट होते हैं इनको बोलते हैं रोडेंट। नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल का मतलब उधर जैसे नॉक वर्ड है ना, NOC या NOCT, इनका मतलब नाइट से होता है, ठीक है, तो नॉक्टर्नल का मतलब एनिमल एक्टिव एट नाइट, ऐसे एनिमल जो रात को एक्टिव होते हैं। मैमल्स, ऐसे बंदे जो अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, ठीक है, स्तनधारी बोलते हैं इनको। ओवीपेरस, जो ओवीपेरस होता है ना, जो ओवी वर्ड होता है उसका मतलब ही एग से होता है जी, मतलब ऐसे एनिमल जो एग देते हैं। फिर आएगा मर्सुपियल, मर्सुपियल जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है मतलब पाउच होता है, ऐसे पंजे होते हैं उनके जिनको, जिनका यूज़ वो अपने यंग वंस, जो अपने मतलब छोटे मतलब एनिमल को पकड़ने के लिए यूज़ कर लें, उनको बोल देंगे मर्सुपियल। फिर आएगा क्वाड्रपड, क्वाड्रपड का मतलब ऐसे जिसके 4 फीट हों, ये तो सभी को पता है। एक्वाटिक, जो पानी में रहता हो। टेरेस्ट्रियल, जो लैंड पर रहता हो। और सेलेस्टियल, जो स्पेस में रहता हो। ये तो हम लोगों ने वर्ड किया था ना, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है जी। अर्बोरियल का मतलब होता है ऐसा जो ट्री पर रहता हो। देखो थोड़े अच्छे वर्ड हैं, कई बार एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं हमारे जी। सॉरी 63 है एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब होता है हिंदी में तो मेरे को ध्यान नहीं, मतलब ऐसे ध्यान नहीं मुझे हिंदी में तो, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर एनिमल जो वाटर और लैंड दोनों पे रह सके जी, जैसे मगरमच्छ है, ठीक है, सांप भी तो होते हैं पानी में भी होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाईपेड, बाई मीन्स टू और पैड मतलब पैर, ठीक है, दो पैर वाला। पैरासाइट, देखो पैरासाइट का मतलब होता है ऐसा एनिमल या ऐसा इंसेक्ट जो दूसरे के ऊपर अपना जीवन यापन करे, ठीक है जी। कैमोफ्लेज का मतलब होता है अपने आप को छुपा ले, जैसे गिरगिट होता ना, जैसे गिरगिट आपने देखा होगा जैसे पेड़ पे होता है, जैसा पेड़ का रंग होता है ना, वह अपने आप को वैसे कर लेता है, जिससे वो उसको खाने वाले जानवर से बच जाता है कि यहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है जी, कैमोफ्लेज होता है वर्ड वो। ग्रिगेरियस, जो वर्ड ग्रेग है ना, ये बात ध्यान रखोगे, सॉरी GREG, इसका मतलब होता है टुगेदर, ग्रुप कह दोगे इसको, ठीक है। एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप्स, तो ग्रिगेरियस हो गया, एनिमल्स नहीं है ये, हमारे पीपल के लिए भी यूज हो जाए ग्रिगेरियस, ठीक है, ऐसा बंदा जो मिलनसार हो, सबसे मिलता हो, ग्रुप में रहता हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रिगेरियस। फिर आएगा प्रोलोग, प्रोलोग होता है ऐसा कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो एक मूवी, कोई बुक या कोई ड्रामा से पहले बताई जाए, ठीक है जी। एपिलोग का मतलब होता है वो एंड में बताई जाएगी, प्रो मीन्स पहले, एपी मतलब एंड, ठीक है जी। मैन्यूस्क्रिप्ट होता है ऐसी स्क्रिप्ट जो हाथ से लिखे जाए, ए हैंड रिटन कॉपी, जो मैन्यू होता है ना, इसका मतलब होता है हैंड। मैन्युफैक्चर सुना होगा आप लोगों ने वर्ड, मैन्युफैक्चर का मतलब ऐसी फैक्चरिंग, ऐसा प्रोडक्शन जो हाथ से होता है वहाँ पे, ठीक है जी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब सेल्फ रिटन होती है, तो पता ही आप लोगों को। ये क्या प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म का मतलब होता है जो दूसरे के आइडियाज़, दूसरे की थॉट्स को चुरा ले, जैसे होता है कैसे, मान लो मेरा आइडिया था कोई नॉवल लिखने का, लेकिन मान लो मैंने किसी दोस्त को बताई, लेकिन मेरे से पहले ही उस दोस्त ने लिख दिया उस चीज़ को, इट मीन्स उसने क्या कर दिया, प्लेगरिज्म कर दिया वहाँ पे। सुडोनीम, सुडोनीम का मतलब होता है इमेजिनेशन, नेम की होना, मतलब इमेजिनरी नेम होना, ठीक है जी। स्वान सॉन्ग, आपको देखो हम लोगों ने ये EDM में भी किया था, लास्ट लिटरेरी वर्क होता है, इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। ट्रेजडी सभी को पता है, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जो मतलब दुख में एंड हो। एनेक्डोट होता है ऐसी इंटरेस्टिंग या कोई स्टोरी जो एक पर्टिकुलर रियल पर्सन के बारे में हो, जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब मोटिवेशनल स्टोरी कह देंगे, ठीक है, वो एनेक्डोट हो जाएगा। सोनेट होता है ऐसी कोई भी पोएम जो 14 लाइंस में लिखी हो, देखो कई बार रिपीट हो चुका ये वाला वर्ड, SSC में भी हो चुका रिपीट, सोनेट मीन्स 14 लाइन याद रखना वहाँ पे, ठीक है। फेबल, फेबल का मतलब होता है एक ऐसी जिसमें हम लोग ऐसी स्टोरी जिसके अंदर कुछ ना कुछ मोरल हो, कुछ सीखने को हमें मिले, वो फेबल होगा। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है, देखो लेक्सिको जो वर्ड है ना, इसका मतलब वर्ड से होता है,
और वर्ड्स मतलब कहाँ पे हो डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी लिखने वाला लेक्सिकोग्राफर हो गया। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियो मीन्स बुक्स, बुक्स को लिखने वाला हो जाएगा। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होगा ऐसी मतलब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पे सब चीज़ों को कवर किया गया हो, एक पर्टिकुलर ब्रांच होती है नॉलेज की, ठीक है। सॉरी, यह सोलिलोक, सोलिलोक वर्ड जो होता है ना, इसका मतलब होता है ऐसा बंदा जो अपने ही थॉट्स को बताए, दूसरे की ना सुने, ठीक है। मैस्क्यो, जो मैस्क वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है ए प्ले दैट इंक्लूड म्यूजिक डांसिंग एंड सॉन्ग। क्लियर होएगा होगा, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ में नाच गाना सब कुछ हो, ठीक है, बकवासबाजी ज़्यादा हो। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है ऐसी स्पीच हो विदाउट प्रिपरेशन हो, इम्प्रोम्प्टू भी बोल देते हैं इसी चीज़ को, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखोगे इसको, एक्सटेम्पोर और इम्प्रोम्प्टू। एलिगी, एलिगी का मतलब होता है सैड सॉन्ग होता है, किसी मरे मतलब जो बंदा मर गया उसकी याद में गाया हुआ गाना होता है एलिजी, ठीक है। फैसिमाइलो एग्जैक्ट कॉपी होता है उसी चीज़ की, ठीक है, ये वर्ड एग्जैक्ट तो नहीं लिख पाई, कॉपी तो एग्जैक्ट होती ही नहीं, ठीक है, ओरिजिनल भी नहीं होती। फिलिस्टाइन वर्ड होता है ऐसा बंदा जो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट ना ले, मतलब गाने बज रहे हैं, आर्ट्स हैं, ठीक है, मतलब दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को ना बदले, ऐसे बंदे भी हमारे क्या हो जाएंगे, फिलिस्टाइन हो जाएंगे जी, ठीक है जी। पोस्ट स्क्रिप्ट, देखो पोस्ट का मतलब बाद में होता है, एक होता एंटे और एक होता पोस्ट। एंटे मीन्स पहले, बिफोर, ठीक है, और पोस्ट मीन्स आफ्टर, तो दोनों ध्यान रखोगे वर्ड। स्क्रिप्ट का मतलब लिखना होता है, टू राइट, तो बाद में लिखे जाए चीज़, ठीक है जी। वर्बटीम का मतलब होता है जो एक्सेसिवली क्या हो, मतलब देखो एग्जैक्टली एज स्पोकन और रिटन होता है क्या, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब कोर्ट में गवाही होती है किसी की, तो नीचे एक लिखने वाला होता है जिसको स्टेनो बोलते हैं शायद, मेरे को लग रहा है, तो एज इट इज लिखता है जैसे उसने बोला, तो उसको ही बोलते हैं वर्बटीम। पैराबल का मतलब हो गया, ये हम लोगों ने किया था फेबल वर्ड, उसी जैसा वर्ड ये फेबल जैसा, पैराबल, ठीक है। पेडेंटिक, पेडेंटिक का मतलब होगा ऐसा बंदा जो अपने स्टाइल या अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा ही वरीड हो कि पता नहीं क्या चीज़ें हो जाएंगी हमारे साथ, ठीक है, ये रहेगा या नहीं रहेगा, इन चीज़ों के बारे में सोचने वाला बंदा पेडेंटिक होता है। एक्जोइम, एक्जोइम का मतलब होता है कैसी स्टेटमेंट जो सेल्फ प्रूव्ड है। सेल्फ प्रूव्ड का मतलब हो गया कि अगर आपने उस स्टेटमेंट को रीड भी किया ना, तो उसका जो मीनिंग होगा वो सबको एक जैसा अंडरस्टूड होगा जी, तो वो प्रूव्ड है चीज़, ठीक है जी। वर्बोज, वर्बोज का मतलब हो गया जिसमें बात तो नहीं ज़्यादा हो, ज़्यादा ज़्यादा बातें की गई हों, ठीक है, इसके लिए एक टैकेटिव वर्ड होता है, टैकेटिव, ठीक है, और गैरुलस वर्ड भी होता है इसका लिए, देखो याद आने तो बता रहा हूँ आप लोगों को, तो इन्हीं सभी का मतलब सेम ही होता है, ठीक है जी। मेडन स्पीच है, ऐसी स्पीच जो फर्स्ट टाइम दी गई वो मेडन होगी, अगर विदाउट प्रिपरेशन हो तो वो एक्सटेम्पोर होती है जी, ठीक है, इम्प्रोम्प्टू हम लोगों ने बढ़िया। क्लिच, क्लिच का मतलब हो गया एक कॉमनली यूज फ्रेज और आइडिया दैट गोन मीनिंगलेस। क्लिच का मतलब तकिया कलाम बोलते हैं हम लोग, जैसे कई बार क्या होता है हम किसी बात को कहने के इतने आदि हो जाते हैं कि उस बात को बार बार बोलते हैं लेकिन मतलब नहीं होता उसका कोई भी, उसको क्लिच बोलते हैं हम लोग। सर्कमलोकेशन का मतलब हो गया ऐसी मतलब लोकेशन का मतलब बातें, लोक का मतलब होता है टू टोक, जो लोक वर्ड है उसका मतलब टू टोक होता है जी। सर्कम मीन्स राउंड राउंड, तो बातों घुमा फिरा के कहना होता है सर्कम लोकेशन। इसका एडियम होता बीट अबाउट द बुश, अगर आपको याद हो एडियम होता बीट अबाउट द बुश, कि बातों को घुमा फिरा के कहना। वेस्पर्स, वेस्पर्स होता है कि जो एक चर्च में कोई प्रेयर होना, इवनिंग प्रेयर को बोलते हैं। नियोलॉजिज्म, नियोलॉजिज्म जो वर्ड होता है ना उसका मतलब होता है कि न्यू मीनिंग पे जो चीज़ मतलब एक पर्टिकुलर बेस हो जी, ठीक है। टायरेट होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को धमकाना। अलिट्रेशन होता है किसी पर्टिकुलर वर्ड का ज़्यादा रिपीट होना, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। बैलेड, बैलेड होता है एक ऐसी स्टोरी जो मतलब पोइम की फॉर्म में लिखी हो जी, ठीक है। पोट बॉयलर का मतलब होता है कि एक बुक या प्ले दैट इज प्रोड्यूस टू अर्न मनी, मतलब पर्टिकुलर चीज़ का यूज करना किसी मतलब पैसे कमाने के लिए, ठीक है, वो पर्टिकुलर बुक हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, या कोई आपने कोई चीज़ बनाई, वो पॉट बॉयलर हो जाएगा आपके लिए। मोर्चुरी वर्ड होता है ऐसे जहाँ पे मरे हुए लोगों को डेड बॉडी रखी जाती है। मोर्ग जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है उनको रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे तो सिर्फ रखी जाती है डेड बॉडीज, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए रखना, पोस्टमार्टम के लिए रखना, वो होता है मोर्ग वर्ड, ठीक है। सेमेट्री वर्ड का मतलब होता है जहाँ पे वो दफनाई जाती हैं, बरी का मतलब दफनाना, और सीमेटरी का मतलब होता है जहाँ पे जलाई जाती है जी। तो ये चार जो वर्ड है ना, ये टोटली एक
शमशान घाट या जो पर्टिकुलर चर्च वगैरह से रिलेटेड है, जहाँ पे बंदों को मारा, डेड बॉडीज को रखा जाता है जी, ठीक है जी। तो ध्यान रखोगे इनको। पोस्थमस का मतलब होता है मरणोपरांत, कोई चीज़ किसी को अवार्ड मिलना, वो मरणोपरांत मिला है, ठीक है जी। फिर कोर्ट्स, कोर्ट्स वर्ड का मतलब होता है क्राउड ऑफ पीपल विद अ डेड बॉडी, जैसे बोलते हैं ना वो राम राम सत्य है, तो वो जो पीछे आने वाले बंदे हैं उनको बोलते हैं कोर्ट्स, ठीक है जी। एपिटेथ, जो एपिटेथ वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है कोई टॉम पे, टॉम मतलब क्या होता है किसी, जैसे मम्मी होती है ना, वो गाड़ा जाता है जहाँ पे डेड बॉडीज को, ग्रेव पे, ठीक है, किसी कबर पे कुछ लिखना ही होता है एपिटेथ। अंडरटेकर, अंडरटेकर सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। वन हु डिग्स ग्रेव्स और मैनेज फनल्स, मतलब जो शमशान घाट में बंदों को जलाने का काम करता है उसको अंडरटेकर बोलते हैं। ओबिचरी, ओबिचरी होता है कि जैसे एन अकाउंट इन न्यूज़पेपर फॉर फनल, ओबिचरी होता है मतलब किस किस की मौत हुई है, जैसे लिस्ट बनाई पर्टिकुलर हम लोग की, ये मर गया ये बंदा वो था, ये मर गया ये भी बंदा वो था, ये हमारा पॉलिटिशियन था, ये खेले खेल में बंदा अच्छा था, तो एक लिस्ट बना रहे हैं ना, उस लिस्ट को क्या बोलते हैं, ओबिचरी। कंडोलेंस, कंडोलेंस का होता है किसी के ऊपर हमें दुख प्रकट करना, किसी के डेथ के ऊपर, ठीक है। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी का मतलब होता है कि एग्जामिनेशन होना किसी की डेड बॉडी की, उसकी डेथ का कोज पता करने के लिए, वो था ऑटोप्सी। फनरल तो पता ही आप लोगों को, दाह संस्कार होते हैं। डर्स जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है एक सॉन्ग, मतलब एक मंत्र बुदबुदाए जाते हैं, वो डर्स बोलते हैं जब कोई बंदा मरता है। फिर आगे हीयर से, हीयर से का मतलब होता है वो पर्टिकुलर व्हीकल जो डेड बॉडी को क्या करता है, कैरी करता है जी। फैटल, फैटल का मतलब ऐसा कोई जो डेथ को कोज कर दे, जिसे घातक बोलते हैं। लीथल और डेडली इसके सिनोनिम है जी। अच्छा बढ़िया जी, ठीक है जी। होमिसाइड, अब देखो साइड वर्ड आ गया, साइड मीन्स टू किल, ठीक है। अब हमें बस इस वर्ड को पकड़ना है कि इस वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग क्या है, वो मीनिंग अपने आप क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। होमिसाइड मीन्स ह्यूमन बीइंग को किल करना। जीनोसाइड मतलब कोई जीन, पूरे एक रेस को क्या करना, पूरे एक स्पीशीज को क्या करना, किल करना। रीजी का मतलब होता है जो ये होता है रेज, रेज या रेज बोलते हैं इसको, इसका मतलब होता है किंग या क्वीन, रॉयल फैमिली से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो किंग या क्वीन को मारना। पैट्री का मतलब फादर को मारना। मैट्री मीन्स मदर को मारना। पैरी मीन्स पेरेंट्स को मारना, ठीक है। तो याद रखोगे इन चीज़ों को। युगजोरी का मतलब वाइफ को, सोरो का मतलब सिस्टर को, और फ्रेटली का मतलब ब्रदर को। पैट्री मीन्स फादर था और फ्रेटरी मीन्स ब्रदर है जी, ठीक है। फिलीसाइड, फिली जो वर्ड होता है ना, वो होता है चिल्ड्रंस के लिए, और सुसाइड अपने आप को। इन्फेंट का मतलब छोटे बच्चे को मारना। फोर्टी मतलब होता है वोम, अनबोर्न बेबी को मारना, ठीक है। एसेसिनेशन होता कोई पॉलिटिकल या कोई फेमस पर्सन, पॉलिटिकल पर्सन या फेमस पर्सन का क्या होना, उसको मारना, ठीक है, उसकी मतलब उसको डेड कर देना। ये हो गया पर्टिकुलर हमारे वर्ड साइड से। फिर आगे आगे वर्ड सोलर, देखो जो ये वर्ड हम लोगों ने लिखे ना, ये होता किसी से रिलेट होना जी, ठीक है। सोलर का मतलब सन से रिलेशन, लूनर मतलब होता है मून से, कैनाइन मतलब डॉग से, फिलाइन मतलब कैट से, वल्पाइन मतलब फॉक्सेस से। मतलब आपको ये वर्ड ये ध्यान रखना है, वल्प, फील, कैन, लून, सोल, ठीक है जी। सोलर कुकर होता है, ये आप लोगों ने पता लग गया कि सोलर मतलब इट मीन्स उसमें सन का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा जी, ठीक है जी। इक्वाइन, इक्वाइन का मतलब हॉर्सेस हो गया। मैराइन, जो मैरीन वर्ड होता है ना, मैरीन वाटर होता है, मैरीन एनिमल होते हैं, मतलब सी से रिलेटेड हो गया। सेलेस्टियल मैंने करवाया था स्पेस रिलेटेड, जैसे अर्थ है, गैलेक्सीज है, स्टार्स है, ये कौन से ऑब्जेक्ट है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जी। मुंडेन, देखो मुंडेन का मतलब था ऑर्डिनरी, जो सिर्फ वर्ल्ड से रिलेटेड हो, मतलब सभी को पता है उसके बारे में जी। ह्यूमेन मतलब ह्यूमन बींग से, ओरिएंटल मतलब ईस्ट से, ये बात ध्यान रखना आप लोग। ओरिएंटल का मतलब होता है ऐसी चीज़ को पर्टिकुलर जो ईस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड हो जी। ऑक्सीडेंटल का मतलब हो गया वो भी वेस्ट से। आर्कटिक का मतलब नॉर्थ से और एंटार्कटिक का मतलब साउथ से। अब देखो जो चीज़ हम लोगों ने ये पर्टिकुलर डायरेक्शन को नेम दिया ना, ये इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग है जी। आप जब वर्ल्ड मैप देखोगे ना, उनके अंदर पता लग जाएगी, आर्कटिक जो होता है ना वो हमारे नॉर्थ में है, एंटार्कटिक होता है साउथ में, मतलब एंडिंग पॉइंट है वो नॉर्थ के एंड में और साउथ के एंड में जी, ठीक है जी। कितनी देर की बन गई वीडियो, 29, ओह चलो। आगे पहुंच गए थे। फिर आगे कार्डियक, कार्डियक मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड, तो पता ही आप लोगों को। पिसाइन होता है फिश से रिलेटेड। बोवाइन मतलब कैटल, एनिमल से रिलेटेड, भैंसों से रिलेटेड। फिर गस्टेटोरी, जो गस्टेटोरी वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है टेस्टिंग सेंस। जो वर्ड गस्ट होता है ना, इसका मतलब भी टेस्ट से होता है। देखो जो केमिस्ट्री पढ़ते हो उनको थोड़ा सा पता होगा ही। ओल होता है हमारा स्मेल से, ओलफैक्टरी जो वर्ड होते हैं, ठीक है, स्मेल से होते हैं। ओरल वर्ड होता है हमारा हियरिंग,
मतलब सुनने की सेंस ओरल, विजुअल मतलब देखने की, सेंसरी मतलब सेंस करने की, ठीक है जी। ऑर्निथोलॉजी, ये वर्ड हमारा मतलब इम्पोर्टेंट है जी। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड, जो वर्ड ऑर्निथो होता है ना उसका मतलब बर्ड्स होता है, और ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, उसके स्टडी करने वाला। IST मतलब पर्सन, ठीक है, टाइपिस्ट हो गया, केमिस्ट हो गया। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, मतलब उनको और टोम नहीं कर पाएंगे, उनको और काट नहीं पाएंगे, ऐसी चीज इंसेक्ट होती है हमारी, ठीक है। इटिमोलॉजी होता है कोई फॉरन, मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड कहाँ से आया उसकी स्टडी करना, वो इटिमोलॉजी होती है। देखो एंटोमोलॉजी का मतलब होता है इंसेक्ट की स्टडी करना, और इटिमोलॉजी का मतलब होगा वर्ड्स की स्टडी करना। फिलोलॉजी जो वर्ड होता है ना वो होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स, मतलब पर्टिकुलर वर्ड्स या लैंग्वेज कहाँ से ओरिजिन हुई, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में स्टडी करना होगा फिलोलॉजी। फिर आएगा पेलेंटोलॉजी, पेलेंटोलॉजी का फॉसिल्स जो हमारे जीवाश्म वगैरह उनका अध्ययन करना। फिर आएगा पैलोग्राफी, पैलोग्राफी का मतलब होता है जो पहले जो लिखी गई चीज़ें उनका क्या होता है, उनका स्टडी करना, उनका अध्ययन करना। डेमोग्राफी होता है स्टडी ऑफ पीपल, ठीक है। क्रोनोलॉजी का, क्रोन का मतलब होता है टाइम से, क्रोनिकल वर्ड अगर आप लोगों ने सुना हो तो, जो क्रोन वर्ड होता है इसका मतलब टाइम से होता है जी। स्टडी ऑफ इवेंट इन ऑर्डर ऑफ टाइम, ठीक है जी। सिस्मोलॉजी होता है अर्थक्वेक से, सिस्मोग्राफ होता है आपने सुना ये वर्ड। कॉस्मोलॉजी होता है यूनिवर्स की स्टडी करना। पेनोलॉजी होता है प्रिजन मैनेजमेंट की करना, देखो थोड़ा नया वर्ड है ये, ध्यान रखना इसका। फिर क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल का अध्ययन करना। पैथोलॉजी डिजीज का अध्ययन करना, जो वर्ड पैथ होता है ना, पैथ, पैथ मतलब होता है पेन, और पेन मीन्स किससे होता है, वो डिजीज से। पीडोलॉजी का मतलब होता है कोई डिजीज का या चाइल्ड के डिजीज या सोयल का क्या करना, अध्ययन करना। इसमें दोनों वर्ड आएगी जी, चाइल्ड के डिजीज का अध्ययन करना भी पीडोलॉजी है, और सोयल का अध्ययन करना भी क्या होता है, पीडोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी स्टार्स का करना, ठीक है, एस्ट्रोनोमर होते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं। एस्ट्रोनॉमी होता है स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, इसमें तो मतलब स्टार्स का इफेक्ट दिखाना, जैसे होता है ना क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ज्योतिषी होती, ज्योतिषी वो होता है एस्ट्रोलॉजी होती, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का अध्ययन करना, कि ये इतनी दूर है, ये ग्रह इस पर ये पाया जाता है वगैरह वगैरह। जियोग्राफी होता है फीचर ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ के बारे में पढ़ना। जियोलॉजी होता है स्ट्रक्चर पढ़ना उसकी। नूमिस्मैटिक्स, ये अच्छा है वर्ड, ठीक है, नूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स और मेडल्स। इकोलॉजी इन्वायरमेंट की स्टडी। अकाउस्टिक होता है प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, और फोनेटिक्स होता है स्पीच साउंड की। देखो साउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कहाँ से वो निकल सकती है, कहाँ से ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, कहाँ पे कम होगी, वो तो होगी अकाउस्टिक में। फोनेटिक्स होता है उसको बोलना कैसे है, ठीक है जी। पेडागोजी होता है, हमारा वर्ड होता है मेथड ऑफ टीचिंग, जैसे आपने देखा होगा जो CTET का पेपर होता है उसमें पेडागोजी आती है जी। हिस्टोलॉजी होता है टिश्यू की स्टडी, अच्छे वर्ड हैं जी ये, ठीक है। साइटो होता है सेल की स्टडी, वीरू होता है वायरस की स्टडी, माइको होता है फंगस की स्टडी। एनाटोमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी, ठीक है, एनाटोमी ऑफ मतलब मैन, एनाटोमी ऑफ बॉडी पढ़ते हैं हम लोग। फिजियोलॉजी होता है मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, मतलब फिजिक्स, अपनी जो फिजिक है, जो अपने हाथ हैं पैर हैं। एंथ्रोपोलॉजी होता है स्टडी ऑफ मैनकाइंड, जो एंथ्रोप वर्ड है ना, एंथ्रोप इसका मतलब होता है मैनकाइंड, ध्यान रखोगे। फिर आ गया हमारा पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी में स्टडी ऑफ रॉक्स, जो वर्ड पेट्रो इसका मतलब रॉक से रिलेटेड है जी, ठीक है जी। एक सेकेंड, क्या आ गया ये, प्रोहिबिट योर रिकॉर्डिंग फ्रॉम यूजिंग माइक्रोफोन, पता नहीं क्या था, ठीक है जी। फिर आएगा हमारा आर्कियोलॉजी, पेट्रो का रोक से, आर्कियो का मतलब एंशियंट ऑब्जेक्ट से होता, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। एथनो का मतलब ह्यूमन रेसिस से हो गया, ओडोंटो का मतलब टीथ से हो गया, जेनेटिक का मतलब हेरिडिटी से हो गया, कि वंश कैसे बढ़ रहा, कैसे मतलब कौन सी क्वालिटीज़ है। यूजेनिक्स का मतलब होता है ब्रीडिंग से, ठीक है। साइकोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन बिहेवियर से, माइंड से। डर्मेटोलॉजिस्ट का होता है स्किन से, जिसको आपने सुना होगा डर्मिकूल एक आता है पाउडर, डर्मी मीन्स स्किन के लिए, ठीक है। एपिग्राफी, एपिग्राफी होता है एंशिएंट इंस्क्रिप्शन, एपिटाफ सुना था आप लोगों ने, वो किसी की कब्र पे कुछ लिखा उसको पढ़ना, वो एपिग्राफी वहीं से रिलेट हो जाएगा अपना। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म की उनकी सिमिलैरिटी के बेस पे स्टडी करना जी, ठीक है। फिर टैक्सीडर्मी, टैक्सीडर्मी देखो डर्म वर्ड है, डर्म स्किन की बात जरूर होगी, अपनी स्किन को प्रिजर्व रखने के लिए कुछ चीज़ों का डेड मतलब उनके डेड एनिमल्स या जो वर्ड्स हैं उनको प्रिजर्व रखने के आर्ट होती है हमारी टैक्सीडर्मी, ठीक है। फिर आएगा पामिस्ट्री,
पाम जो वर्ड होता है ना वो हथेली, जैसे पाम होते हैं ना अपने, इसको हस्तरेखाओं को पढ़कर कुछ बताना वो होता है पामिस्ट्री, बकवास चीज़ें होती हैं। ठीक है, भगवान ने हाथ बना दिया और उसको बेस पे हम लोग चीज़ों को कह रहे कि तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, पता नहीं दुनिया भर की बातें होती हैं। ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है स्पेलिंग से जी। अच्छा बढ़िया। फिर ग्रेटिस, क्या ये ग्रेटिस? ठीक है, ग्रेटिस का मतलब होता है पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड होना चाहिए, और डिजीज़ किसका, वो ओल्ड पीपल का। ठीक है, ग्रेटिस याद रखना वर्ड को। फिर लिमोनोलॉजी, लिमोनोलॉजी का मतलब होता है लेक से। बिब्लियो, बिब्लियो मीन्स बुक से था, और फाइल मतलब टू लव, फाइल का मतलब टू लव जी, ये बात ध्यान रखोगे जी, बुक से लव करने वाला। मिसो का मतलब होता है, देखो ये वर्ड हमारे थोड़े रूट वर्ड वाला आ गया, हमें करना पड़ेगा जी। लॉजी मीन्स स्टडी होता है, ये बात ध्यान रखोगे आप लोग। मिस मतलब होता है हेट करना किसी को, एक कॉपी में लिख लेना इनको। ठीक है जी, तो ऐसा बंदा जो नॉलेज से और सीखने से हेट करता हो। मिजेंथ्रोपिस्ट मतलब मैनकाइंड से हेट करता हो। फिलेंथ्रोपिस्ट जो मैनकाइंड से प्यार करता हो। मिजोगैमिस, गैम जो वर्ड होता है इसका मतलब मैरिज से होता है जी। ठीक है, शादी से हेट करने वाला, शादी से लव करने वाला। गायना का मतलब था वुमेन, ठीक है, औरत से नफरत करने वाला, औरत को प्यार करने वाला। ठीक है, गैमी, गैमी का मतलब शादी से था। मोनोगैमी मतलब इसकी एक ही शादी हुई। बाईगैमी मतलब ज़्यादा, ज़्यादा जिसकी दो शादी हो रखी हो। ठीक है, पोली मतलब ज़्यादा शादी हो रखी हो मुगल साम्राज्य। ठीक है, पोली एंडर जिसके ज़्यादा पति हो। एंडर का मतलब होता है हस्बैंड, हस्बैंड कह सकते हो या कोई मैन कह सकते हो आप। ठीक है, रेफर करने के लिए यूज करते हैं वर्ड को। विडोवर, विडोवर का मतलब होता है मैन मतलब इसकी वाइफ नहीं है। विडो मतलब एक वुमेन जिसका हस्बैंड नहीं है। ठीक है, स्पिनस्टर का मतलब होता है जिसकी शादी नहीं हो रखी, और वो उस पर्टिकुलर बंदे को वुमेन बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक वुमेन जिसकी शादी नहीं हो रखी, ठीक है जी, और उसकी उसकी उम्र ज़्यादा होगी, वहाँ पे ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, एलिमनी, एली मतलब, एलिमनी का मतलब होता है जो डाइवोर्स के बाद जो मनी पी दी जाती है ना, उसको एलिमनी बोलते हैं जी। फिर आएगा एफिमरल, एफिमरल का मतलब होता है ट्रांसियंट, अगर आप लोगों ने सुना हो वर्ड। ट्रांसियंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो पर्टिकुलर छोटे टाइम के लिए वैलिड हो, बहुत कम टाइम के लिए वैलिड हो। एटर्नल जो हमेशा रहे, एक दूसरे के एंटोनिम हो गए। एनुअल मतलब जो एक साल में एक बार हो। बाइनियल का मतलब दो दो साल में एक बार हो। पेरेनियल का मतलब होता है लॉन्ग टाइम में हुई नहीं वो। ठीक है, मतलब पेरेनियल मतलब जो लंबे टाइम तक रहे, सो जो लंबे टाइम तक रहे। ठीक है जी, क्वाड्रेनल मतलब जो 4 साल में एक बार हो। सेंट क्या यू, सेंटेनरी, सेंटेनरी का मतलब होता है जो 100 साल से रिलेशन में हो, कुछ जो 100 साल कंप्लीट हो गए तो उससे कुछ रिलेशन में हमें बताना वहाँ पे, वो का सेंटेनरी। फिर आ गया हमारा वर्ड सेक्सागेनेरियन। ठीक है, सेक्सागेनेरियन, देखो सेक्सागेनेरियन का मतलब होता है 60 to 69। ठीक है, सेप्टा का मतलब 70 to 79, ये बात ध्यान रखोगे कहीं इसके अंदर आप कन्फ्यूज हो जाओ कि ये 60 तक है, 60 से आगे है। तो सेक्स का मतलब जैसे होता है ना वर्ड, जैसे हम कहते हैं इस सेक्सा का मतलब 6 से होता है जी। ठीक है, 6 से, और 6 मीन्स मतलब 6 वाली वाले, 6 से आगे वाले लाइन में। ठीक है जी, और सेप्टा का मतलब होता है 7 to 79, ओक्ट का मतलब 80 to 89, नोन का मतलब 9 to 99, और मिलेनियम का मतलब जहाँ पे कितने हज़ार ईयर्स हमारे पूरे हो गए, अगर जहाँ पे 100 हो रहे थे हमारे, वो क्या था हमारा सेंटेनरी। ठीक है जी, फिर आ गया इंटरगैनम, इंटरगैनम का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टीम, एक पर्टिकुलर टाइम जो गवर्नमेंट्स को बनने में टाइम लगता है। जैसे एक गवर्नमेंट हट गई, दूसरी गवर्नमेंट का आने का टाइम हो गया, तो उसके बीच का जो टाइम होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग इंटरजेनम। अपेरी होता है जहाँ पे बीज मधुमक्खियों को रखा जाता है। अवेरी होता है जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है जी। ठीक है, आर्सनल जहाँ पे वेपन्स को रखा जाता है। असाइलम जहाँ पे मेंटली सिक्स मतलब जो बीमार बंदे हैं उनको रखा जाता है, पागल बंदों को। ठीक है, आर्काइव जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है। कैसे मतलब जहाँ पे वैल्यूएबल मनी को स्टोर किया जाता है। क्लोक वोम होता है जहाँ पे रेलवे स्टेशन पे एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे लगेज को रखा जाता है। कॉन्वेंट जहाँ पे नंस, नंस मतलब ये चर्च वाले होते हैं ना जो पादरी होते हैं, इनको रखा जाता है, वहाँ पे रहते हैं वो। डॉर्मिटोरी का मतलब होता है सोने के लिए रूम, जो डोर्म वर्ड है ना डोर्म, इसका मतलब भी तो आलस होता है मतलब बिल्कुल नींद सी आना। ठीक है, ग्रेनरी का मतलब होगा जहाँ पे फूड ग्रेन्स को रखा जाता है। हैंगर का मतलब जहाँ पे एरोप्लेन्स को रखा जाता है। देखो ये पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो पर्टिकुलर चीज़ को रखने के लिए यूज हो रहे हैं, आपको याद करने पड़ेंगे ऐसे ही। इन्फर्मरी, इन्फर्मरी का मतलब जहाँ पे ऐसे बंदे, ओल्ड पीपल नहीं, जैसे सिक पीपल भी कह सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और क्या इल पीपल कह सकते हैं,
जो पर्टिकुलर बीमार हो या कोई मतलब उनको कुछ दिक्कत हो रखी हो उनको इन्फर्मरी बोल देंगे। मिंट जहाँ पे पैसे बनाए जाते हैं, मनी आर मेड, ठीक है। मोनेस्ट्री का मतलब हो जहाँ पे मोंक्स रहते हैं, साधु संत रहते हैं, मोनेस्ट्री हो जाएगा वो। फिर आएगा सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब है प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं जी, वो सेंचुरी हो जाएगी। कैनल मतलब जहाँ पे डॉग्स रखे जाते हैं। देखो ये जो वर्ड आते हैं ना कई बार रिपीट हो जाते हैं वाले, ए प्लेस वेयर गो डॉग्स कैप्ट, ऑप्शन आएंगे सेंचुरी, कैनल, स्कलरी, सेनेटोरियम। तो आपको ध्यान होना चाहिए कैनल वर्ड होता है ना वो डॉग्स के लिए होता है हमारा। फिर आएगा स्कलरी, स्कलरी का मतलब किचन का सामान होता है वहाँ पे, ठीक है। सेनेटोरियम का मतलब होता है वहाँ पे पेशेंट रखे जाते हैं जो अच्छे होने के लिए, मतलब उनका थोड़ा सा बेटरमेंट के लिए इलाज चलेगा वहाँ पे, ठीक है। टेनरी, टेनरी का मतलब होता है स्किन को मतलब उधेड़ना, लेदर बनाना वहाँ से, ठीक है, लेदर बनाना। डॉकयार्ड का मतलब जहाँ पे शिप्स को लोडेड या लोडेड किया जाता है, वहाँ पे सामान उतारा जाता है और वहाँ पे उसमें लगाया जाता है। एक्वेरियम का मतलब जहाँ फिश फिश को रखा जाता है, पानी। एक्वेरियम का मतलब वही है ना जैसे पानी हो गया उसके अंदर एनिमल्स को रखा जाना वहाँ पे, ठीक है जी। अल्मा मेटर का मतलब ऐसी कोई जगह जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की, एजुकेशन ली है। किन का मतलब होता है ब्रिक्स जहाँ पे बनती है, भट्टा बोलते हैं किन को, ठीक है जी। एपिडेमिक का मतलब होता है कैसा डिजीज़ जो लार्ज एरिया में रैपिडली फैल रहा है, जैसे जो कोरोना वायरस था वो वुहान के आसपास के जो जगह थे ना वहाँ पे रैपिडली फैल रहा था, तो वहाँ पे प्रतिबंध लगाए गए हैं कुछ, ठीक है। एंडेमिक का मतलब हो गया जो स्मॉल एरिया में फैले, एपी मतलब लार्ज, एंड एनडी मतलब शॉर्ट एरिया, ठीक है, स्मॉल एरिया से। और पेंडेमिक जो सभी कंट्रीज में फैलेगा, पैन का मतलब हम लोगों ने देखा था ना जो एक बड़े एरिया में फैले जी, ठीक है, सभी कंट्रीज में फैले। इंसोमेनिया, इंसोमेनिया नींद ना आना होता है जी, ठीक है। ए डिजीज विच अ पर्सन डजेंट स्लीप, कंटेजियस होता है मतलब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, संक्रमण कुछ ऐसा होता है वर्ड। अ डिजीज दैट स्प्रेड बाई कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट से फैले उसको बोलते हैं कंटेजियस। पेनेसिया होता है जो रामबाण इलाज होता है, रेमेडी फॉर ऑल, इंपॉर्टेंट वर्ड ये वाला भी। एनेस्थेसिया होता है मेडिसन दैट मेक्स वन अनकॉन्शियस, मतलब किसी को मतलब बेहोश करने के लिए जो वर्ड जो दवाई सुंघाई जाती है, दवाई दी जाती है वो होती है एनेस्थेसिया, ठीक है। यूथनेसिया होता है इच्छा मृत्यु, ठीक है, ऐसा बंदा जो पर्टिकुलर कोई डिजीज से ग्रसित है और उसका डिजीज ठीक नहीं हो रहा तो उसको यूथनेसिया दी जाती है, मतलब मर्सी किलिंग होती है, उसको मार दिया जाता है वहाँ पर कि वो सफ़र ना करे आगे। साइकेट्रिस्ट होता है मेंटली सिक पीपल के लिए डॉक्टर। या क्या डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया होता है मतलब एक डिजीज़ जिसमें आप लोग स्पेलिंग्स या पढ़ नहीं पाओगे वहाँ पर चीज़ों को, ठीक है। एंटीडोट होता है किसी भी मेडिसिन जो एक पॉइजन का काम करें, मतलब पॉइजन का काम करने का मतलब ये हो गया कि जहर के लिए जहर, ठीक है। नोस्टेल्जिया, नोस्टेल्जिया का मतलब होता है एक मतलब अपने घर की याद आना जी, ठीक है, होम सिकनेस बोलते हैं नोस्टेल्जिया को। नैरकोटिक होता है ड्रग्स, ऐसा जो रिलैक्स करे आपको, आपके पेन को कम कर दे। सोपोरिफिक होता है जो आपको सोने पर मजबूर कर दे जी, ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रिक होता है मतलब ऐसी जो अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड हो जाना, कहता है ना कि यार मैं कमज़ोर हो रहा हूँ या मेरा वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, जो अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा ही कॉन्शियस हो जाए इसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक, ठीक है जी। फिर आएगा क्वारंटाइन, क्वारंटाइन होता है मतलब एक ऐसा मतलब जगह एक कोई पर्टिकुलर बंदे को रखना जो इल हो, ठीक है, और उसको दूसरों से अलग रखना, उस पर्टिकुलर एक इवेंट को बोलते हैं क्वारंटाइन जी, ठीक है। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है इन्फेक्शन को रोके, एंटीसेप्टिक्स वो आती हैं टैबलेट्स। ओमनी पोटेंट, ओमनी मतलब ऑल होते हैं और पोटेंट मतलब पावर होती है, तो गॉड को बोलते हैं जी, ठीक है। ओमनी पोटेंट क्या होता है, गॉड, ऑल पावरफुल। ओमनीफिक होता है वन हु इज़ क्रिएटर ऑफ ऑल, ठीक है, जो इसने सभी को बनाया है। ओमनीसेंट का मतलब जो सबको जानता हो, सेंट का मतलब क्या होता है, जानने वाला। ओमनी प्रेजेंट जो सब जगह प्रेजेंट हो, ठीक है। और एक सेकेंड, ठीक है जी। हर्बी वर्ड्स देखो हमारे मतलब पर्टिकुलर एक टाइप के वर्ड्स हम लोगों ने एक साइड कर लिए, अब अगले टाइप के आ जाएंगे हमारे वर्ड। हर्बी वर्ड्स देखो जो वर्ड वोर वर्ड होता है ना, एक सेकेंड, ठीक है, जो वोर वर्ड होता है ना इसका मतलब होता है खाना, और हर्ब का मतलब होता है कोई जैसे प्लांट्स वगैरह हो गए, घास फूस हो गया, इनको खाने वाला होता है हर्बी वर्ड्स। कार्निवोर्स का मतलब होता है एनिमल जो ईट फ्लैश ही करे जी, ठीक है, कार्न करे जो मांस में मांस खाए वगैरह। ओमनी जो दोनों खाए।
कैनिबल होता है जो अपनी ही स्पीशीज को खा लेता है जी, ठीक है। पीसी होता है फिश को खाने वाला, पिसाइन वर्ड हम लोगों ने किया था फिश के लिए वर्ड किया था। निपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, फेवरिंग ऑफ वंस रिलेटिव, अपने रिलेटिव को फेवर करना। एबडिकेशन वर्ड का होता है जो किसी किसी चीज़ को त्याग देना, एबडिकेट करना। अब आपको याद हो गया एबडिकेट, रिनाउंस, ठीक है जी। रेड टेप का मतलब तो ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज होती हैं, ठीक है जी। बायोप्सी, देखो ऑटोप्सी किया था हम लोगों ने कि पर्टिकुलर डिजीज़ का काज क्या है, वो डिजीज़ क्यों, उसका अध्ययन करना। बायोप्सी होता है टिश्यूज़ का अध्ययन करना जी, ठीक है। पैसिफिज्म होता है एक बिलीफ जो एक पर्टिकुलर वॉर के अगेंस्ट हो। जो वर्ड पैसी वर्ड है ना, पैसी का मतलब काम, जो शांति की बात करे तो अगेंस्ट वॉर ही होगा वो तो, ठीक है। एम्पूटेट का मतलब होता है कोई इन्फेक्टेड पार्ट को काट देना, बॉडी का जो इन्फेक्टेड पार्ट है, एम्पूटेशन वर्ड होता है। एक गैल्वनाइजेशन का मतलब होता है कि जो रस्टिंग से क्या कर दें, मतलब उसको जंग लगने से क्या करे, प्रिवेंट करे जी, ठीक है। प्लेबिसाइट का मतलब होता है एक वोट होता है जिसमें सभी लोग इकट्ठे होकर वोट करते हैं जी। इम्पीचमेंट का मतलब होता है कोई मतलब एक हाई अथॉरिटी को मिसकंडक्ट या गलत चीज़ के कारण उसको हटा देना वहाँ से, इम्पीचमेंट होते हैं। नर्सिसिज्म का मतलब होता है कि एक एडमायर करना किसी बंदे को बहुत ज़्यादा। देखो आप लोगों ने, कई लोग होते हैं जो दूसरे की तारीफ भी करते रहते हैं कि आप इतने अच्छे हो, आप ये करते हो वगैरह करते हो, ठीक है। एक वर्ड होता है वो आपको बताइए, इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है एक पावरफुल कंट्री जो अपनी इन्फ्लुएंस दूसरे के ऊपर मतलब छोड़ रही है, दूसरे के ऊपर प्रभावित कर रही है। वो जो एक फैक्ट होना होता है ना, वो होता है इंपीरियलिज्म होता है। जैसे होता है क्या, जैसे कई बार पर्सन ऐसे हो जाते हैं तो दूसरे के ऊपर इफेक्ट डाल देते हैं, वही जब कंट्रीज के लिए यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इंपीरियलिज्म, ठीक है। फिर आएगा इंटरनमेंट। इंटरनमेंट का मतलब होता है किसी बंदे को अंदर कर देना, इंटर कर देना, अंदर कर देना प्रिजन में, ठीक है, पॉलिटिकल रीजन से, क्योंकि गलत काम कर दिया उसने। पंगा, पंगा तो लेना ही नहीं, वैसे वर्ड ये पगनासिटी है, पगनासिटी, लेकिन पंगा से हम लोग रिलेज करेंगे जो फाइट के लिए होता है, ठीक है, जो फाइट करने के लिए ईगर हो, पगनासिटी वर्ड हो जाएगा। ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब होता है ऐसा बंदा जो पासिंग ऑफ पर्सन सोल हिज डेथ इनटू अनदर बॉडी। अरे ये तो पता नहीं कौन से, ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब होगा जो किसी की आत्मा को निकाल कर किसी दूसरे की आत्मा में डाल दे, ट्रांसमाइग्रेशन हो गया, पता नहीं क्या क्या करेंगे भाई। पोर्टेबल का मतलब जिसको हम लोग इजीली कैरी कर सकते हैं, पोर्टेबल का मतलब जिसको हम ड्रंक कर सकते हैं, एडिबल का हम लोग खा सकते हैं जी। देखो ध्यान रखना तीनों वर्ड का, पोर्टेबल मतलब जिसको पोर्टेबल ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। पोर्टेबल मतलब जिसको हम खा सकते हैं, सॉरी पी सकते हैं, और एडिबल मतलब इसको हम लोग खा सकते हैं जी, ठीक है। इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल, फ्लेम का मतलब होता है जो मतलब आग से, इनफ्लेमेबल का मतलब होगा जो इजीली फायर को क्या कर ले, कैच कर ले जी, ठीक है। एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसके दो मीनिंग हो या दो तरीके से इंटरप्रेट किया जा सके, दो तरीके से समझा जा सके जिस चीज़ को, एम्बिगुअस होगी। वेनियल का मतलब होगा जिसको हम लोग फॉरगिव कर सकते हैं जी वहाँ पे, ठीक है, वो वेनियल वर्ड हो जाएगा हमारा। वल्नरेबल, वल्नरेबल हम लोगों ने किया था इनवल्नरेबल में, इनवल्नरेबल का मतलब होता है जहाँ पे इजीली अटैक नहीं कर पाएंगे, इजीली डैमेज नहीं कर पाएंगे उसको, लेकिन यहाँ पे आएगा इजीली हर्ट कर पाएंगे उसको। फ्रेजाइल का मतलब भंगूर, जो इजीली ब्रेक हो सकती है। पल्पेबल का मतलब जिसको टच कर सकते हैं हम लोग जी, ठीक है, टेंजिबल होती है वो, ठीक है, टेंजिबल। गलीबल का मतलब होगा जिसको हम लोग मतलब इजीली ट्रिक कर सकते हैं, इजीली ट्रिक का मतलब होगा उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं, गलीबल हो गया वो। ओपेक का मतलब होगा जिसको हम आर पार नहीं देख पाएंगे, धुंधला, ठीक है। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है जिसको हम लोग अब आर पार नहीं देख पाएंगे, दोनों वर्ड एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसको आर पार देख पाएंगे। एमेच्योर का मतलब हो गया ऐसी कोई, एमेच्योर, एमेच्योर का मतलब होता है ऐसा कोई बंदा जो पर्टिकुलर एक्टिविटी को अपने शौकिया तरीके से करे, एक हॉबी के तरीके से करे उसको, ठीक है, उसका काम नहीं है, वो हॉबी के रूप में कर रहा है उसको। एम्बिडेक्स्ट्रस का मतलब हो गया ऐसा बंदा जो अपने दोनों हाथों का यूज़ करके कोई काम करे जी, वायरस, ठीक है, थ्री डेट में। पॉलीग्लॉट, देखो दो वर्ड होते हैं, पॉलीग्लॉट का मतलब तो बोल दे मनी लैंग्वेजेस को, और लिंग्विस्ट का मतलब हो गया जो स्टडी करे या जानता हो लैंग्वेज को, बोल ना पाता हो जी, ठीक है, या ध्यान रखना इन बात का। एसेटिक का मतलब हो गया जो अपनी लाइफ को बिल्कुल सिंपल या एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में जीता है, वो होता है एसेटिक लाइफ होती है। इनसॉल्वेंट का मतलब हो गया ऐसा बंदा जो भगोड़ा होता है, जो अपने कर्जे को नहीं चुका पाया, विजय माल्या हो गया। बोहेमियन, बोहेमियन का मतलब हो गया ऐसा बंदा जो पर्टिकुलर रूल्स और बिहेवियर को फॉलो ना करे, ये वो नहीं जैसा होगा ब्लास्फेमस जैसा जी, ठीक है, वो हम लोगों ने वर्ड गए थे पहले। चैवनिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा बंदा जो स्ट्रांगली बिलीव करता हो कि उसकी कंट्री सबसे ज़्यादा अच्छी है और कंट्रीज के अलावा, वो चैवनिस्ट हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है क्रोनाइजर। क्रोनाइजर का मतलब होता है
ऐसा बंदा जो एक्सपर्ट हो, मतलब पारखी, पारखी बोलते हैं वो खाने का हो, आर्ट का हो, म्यूजिक का पारखी हो, ठीक है जी। फिर है कॉन्वलेसेंट। कॉन्वलेसेंट का मतलब हो गया ऐसा बंदा जो रिकवर कर रहा है अपनी इलनेस से, ठीक है, बीमारी ठीक हो रही। साइनोसोर का मतलब होगा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कई बार देखा आप लोगों ने, क्योंकि बंदा होता है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो साइनोसोर बोल देंगे उसको। डेमागोग, डेमागोग का मतलब होता है पर्टिकुलर ऐसा बंदा जो मिसलीड करता है अपने फॉलोवर को, और आर्ग्यूमेंट यूज कर लेगा, इमोशंस यूज कर लेगा, ठीक है, उसको बहकाएगा, वो डेमागोग हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव वर्ड होता है ये डाइलेटेंटे। ये डाइलेटेंटे जो वर्ड होता है डेबलर होता है कि सॉरी डेबलर होता है कि हु डजेंट डजेंट हैव मच नॉलेज अबाउट समथिंग और इजेंट सीरियस इधर। मतलब होता है क्या, कई बार बंदे ऐसे होते हैं ना कि बता सब कुछ देंगे, लेकिन उसने एक्चुअली बताया कुछ नहीं है कि मैं जानता हूँ इसके बारे में, मैं ये जानता हूँ, लेकिन जानता कुछ नहीं है, तो उसको क्या बोल दोगे आप लोग, डाइलेटेंट या डेबलर, ठीक है जी। फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट होता है ऐसा बंदा जो वुमेन को क्या करे, सपोर्ट करे जी, ठीक है जी। फिर आएगा वर्ड हमारा कहाँ गया, एफिमिनेट। एफिमिनेट का मतलब हो गया जिसके अंदर फीमेल जैसी करेक्टरिस्टिक हो जी, ठीक है, समझ ही गए होगा आप। ईगोइस्ट, देखो दो वर्ड हैं, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। टिस्ट में टी आ गया ना, इट मीन्स वो स्पीक करेगा, टॉक करेगा। जो बंदा अपने आप में सिर्फ बोल ले वो ईगोटिस्ट होता है, और जो अपने आप बारे में ही सोचे वो होता है ईगोइस्ट होता है जी, ठीक है जी। एमिग्रेंट होता है कि ऐसा बंदा जो अपनी कंट्री छोड़ के जाए, और इमिग्रेंट जो अपनी कंट्री से यहाँ पे आए, जैसे जो विजय माल्या है, विजय माल्या अगर हम अपने लिए सोचें हमारी कंट्री में, तो वो हमारे लिए एमिग्रेंट है, लेकिन ऐसा उनके लिए नहीं है जो जहाँ पे वो गया, ठीक है, उनके लिए वो क्या हो जाएगा, इमिग्रेंट हो जाएगा जी, ठीक है जी। फिर आ गया हेडोनिस्ट, वन हु इज़ डिवोटेड टू प्लेजर, ऐसा मतलब जो मज़े मज़े लेने में थोड़ा विश्वास रखता हो जी, ठीक है। फास्टिडियस होता है, ये भी हमारा हार्ड टू प्लीज, इसको मनाना बहुत मुश्किल होता है। फजीटिव भगोड़ा होता है जो मतलब कानून से भाग रहा है। रेफ्यूजी होता है जो शरण लेते हैं कहीं दूसरी जगह से आकर, ठीक है। गोरमेट का मतलब होता है जो खाने पीने का शौकीन हो, ठीक है, ग्लूटन वर्ड भी बोलते हैं इसको। हैंडपैक्ड का मतलब जोरू का गुलाम, वन हु इज़ ओबीडियंट टू हिज वाइफ, ठीक है, अभी खाना तो खाना अगले बंदे को। हेरेटिक, जो वर्ड हेरेटिक होता है ना, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल और रिलीजन को अपोज करे वो बंदा। देखो जो हेयर वाले वर्ड होता है जनरली हमारे ये अपोजिंग के लिए यूज वर्ड यूज कर रहे हैं। होनरेरी, होनरेरी का वर्ड मतलब होता है वन हु गेट्स नो रिमुनरेशन। रिमुनरेशन का मतलब जिसको कोई पैसा ना मिले, ठीक है, कोई बेनिफिट ना मिले, वो होनरेरी होते हैं। इलिटरेट का मतलब होता है जो बंदा रीड राइट ना कर पाए, ठीक है जी। इम्पोर्टर, रुक जाओ, इम्पोर्टर ऐसा बंदा जो अपनी इम्पोस्टर वर्ड होना चाहिए, ये तो इम्पोर्टर गलत लिखा है इन्होंने, इम्पोस्टर होता वर्ड, ठीक है। बहरूपिया, जो आइडेंटिटी को क्या करे, अपना छुपा ले। इनडिफेटिगेबल, देखो फैटिग जो वर्ड होता है इसका मतलब थकान होता है, और इनडिफेटिगेबल का मतलब जो थके ना, सिंपल सी बात है, हु नेवर गिव्स अप और गेट टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, जो किसी काम करने से थके ना। ये का इटिनरेंट, इटिनरेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, और दूसरी से तीसरी जगह, इन चीज़ों को लेखा जोखा रखना, मतलब टूर होता है, टूर निकालते हैं हम लोग कि यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से यहाँ जाएंगे, तो वही होता है इटिनरेंट, ठीक है। इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी का मतलब होता है ऐसा बंदा जो हेल्प करता है कि एग्रीमेंट बनाने में, मतलब बिचौलिया बोलते हैं इसको, ठीक है। इंटरप्रेटर का मतलब होता है समझने वाला, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें हुई हैं यूज, उनको ट्रांसलेट करने वाला, उनको समझने वाला होता है इंटरप्रेटर। इंटरव्यूई, इंटरव्यू का मतलब होता है ऐसा बंदा जो इंटरव्यू में क्वेश्चन का आंसर करने वाला है, जिसका इंटरव्यू हो रहा है उसको भी इंटरव्यू बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आउटला, आउटला का मतलब होता है वन हु हैज़ डन समथिंग इलीगल, ऐसा बंदा जिसने कुछ ना कुछ इलीगल कर दिया है वो क्या हो जाएगा हमारा आउटला। आउटकास्ट, जिसको मतलब बाहर निकाल दिया गया है कंट्री से, आउटकास्ट हो जाएगा। कलीग होता है हमारे साथ काम करने वाले बंदे। मेटिकुलस होता है ऐसा बंदा जो बहुत केयरफुल होता है कोई भी काम करने में जी, ठीक है। ये वर्ड आपको देखो पढ़ी लोग आप लोग, ठीक है। रिंग लीडर का मतलब होता है ऐसा बंदा जो दूसरों को लीड करता है, लेकिन किस में, ट्रबल करने के मामले में, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के मामले में, वो रिंग लीडर हो जाएगा। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब हो गया ऐसा बंदा जो मतलब इच्छा नहीं है, वो आपकी बात मानेगा ही नहीं कि किसी को आप कंट्रोल कर पाओ, ऐसा बंदा इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिससे अपनी बात मनवा नहीं पाएंगे, वो कट्टर बंदा हो जाएगा जी, ठीक है, रिकैल्सिट्रेंट बोल जाएंगे उसको। इनफॉलिबल का मतलब हो गया ऐसा बंदा जो मिस्टेक ना करे,
देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इनफॉलिबल, जो गिरे ना, गिरे ना मतलब जो मेक मिस्टेक्स ना करे जी, ठीक है जी। इनोकुअस, इनोकुअस का मतलब हो गया हार्मफुल ना हो, और नोकुअस वर्ड हो तो हार्मफुल है जी, ठीक है जी। प्रिकोशियस, प्रिकोशियस चाइल्ड होता है हमारा, मतलब बच्चों के लिए जो करते हैं ऐसा, मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड होते हैं जी, ठीक है। पेडियाट्रिशियन होता है जो बच्चों को डिजीज को ठीक करते हैं। ऑफ्थमोलॉजिस्ट होता है ऐसा बंदा जो डिजीज करता आई की ठीक, ठीक है जी। कार्डियो होता है हार्ट की डिजीज ठीक करेगा। इंट्रोवर्ट मतलब बंदा होता है जो अपनी फीलिंग को अपने तक ही सीमित रखता है जी। और एक्स्ट्रोवर्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जो दूसरों से अपनी फीलिंग शेयर करे, दूसरों से अपनी बातें करें, ठीक है। आगे देखते हैं पंक्चिलियस, पंक्चिलियस का मतलब हो गया पंक्चुअल बंदा होना, ठीक है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, जो पंक्चुअल हो जी, ठीक है। एरुडाइट होता है मतलब जो बंदा स्कॉलर हो, जो बंदा मतलब पढ़ रहा हो, नॉलेज हो जिसको, ठीक है, अकेडमिक स्टडी पढ़ रहा हो। फिर आएगा कंपंक्चुअस, कंपंक्चुअस का मतलब होता है वन हु हैज़ अ फीलिंग ऑफ गिल्टी अबाउट डूइंग समथिंग। कंपंक्शन वर्ड होता है एक, कंपंक्शन पछतावा होना, तो वही बंदा है जिसको पछतावा हो अपने काम करने का जी, ठीक है। अमेजन का मतलब होता है ए टोल स्ट्रॉन्ग वूमेन, ये बात ध्यान रखना जी, ठीक है। अमेजन का कंपनी से नहीं है यहाँ पे। फिर होगा एक्रोबैट, एक्रोबैट का मतलब होता है एक सर्कस में काम करने वाला बंदा, ठीक है, डिफिकल्ट टास्क वो परफॉर्म करता है, उसको बोलते हैं एक्रोबैट, ठीक है। प्लेंटिफ होता है ऐसा बंदा जो एक फॉर्मल कंप्लेंट करता है किसी के साथ, किसी के अगेंस्ट कोर्ट में, जिसने मतलब कंप्लेंट की है किसी के खिलाफ, वो जिसने भी कंप्लेंट की है वो बंदा प्लेंटिफ हो जाएगा। डिफेंडेंट होगा जिसकी ट्रायल हो वहाँ पे, ठीक है, और उसको आरोपित, जिसको आरोप लगाया है जिसके ऊपर, जिसने आरोप लगाया वो तो प्लेंटिफ हो गया, और जिसके ऊपर आरोप लगाया वो डिफेंडेंट हो गया, ठीक है जी। प्रोडिजी, प्रोडिजी का मतलब होता है एक यंग पर्सन जो इंटेलिजेंट और स्किलफुल हो जी, ठीक है, वो प्रोडिजी हो जाएगा वहाँ पे। अकम्प्लिस का मतलब होता है जो क्रिमिनल एक्टिविटी में साथ दे हमारा, हमारा तो क्या मतलब किसी एक बंदे का, ठीक है जी, अकम्प्लिस हो गया वो। एक लैपिडिस्ट, लैपिडिस्ट का मतलब होगा किसी भी स्टोन या पत्थर को क्या करना, पॉलिश करना उसको काट कर, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट आशावादी होते हैं जो ब्राइट साइड देखे, और पेसिमिस्ट निराशावादी होते हैं जी, ठीक है। अपोस्टल, जो वर्ड अपोस्टल होता है ना उसका मतलब होता है ऐसा बंदा जो पर्टिकुलर स्ट्रॉन्गली बिलीव करेगा जैसे और बंदे बिलीव कर रहे हैं जी, ठीक है, वो अपोस्टल होता है। मतलब वो दूसरों को भी वो उसमें बिलीव कराने की कोशिश करेगा, देखो यार मैं नहीं बिलीव कर रहा हूँ इसके ऊपर, और ये एक्चुअली में चीज़ अच्छी है, आप लोग भी बिलीव करो, तो वो अपोस्टल हो जाएगा जी, ठीक है। मार्टायर शहीद होता है जी, नोबल कोज के लिए मरने वाला बंदा। पेट्रोइट होता है जो अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, देशभक्त। मर्सनरी का मतलब होता है ऐसा कोई, ऐसी कोई पर्टिकुलर एक्टिविटीज जो पैसे के लिए ना की गई हो, ठीक है, मर्सनरी जॉब होती है। नोवाइस का मतलब बिगिनर होते हैं, इनएक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। वेटरन का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, जिसको मतलब उस पर्टिकुलर एरिया की, पर्टिकुलर एक्टिविटी की बहुत नॉलेज हो, वेटरन हो जाएगा। ऑर्फेन का मतलब होता है अनाथ, जिसके पेरेंट्स नहीं है, ठीक है। रिक्लूज का मतलब होगा जो बंदा अकेला रहना पसंद करता हो, और वो अलग मतलब दूसरे लोगों को अवॉइड करता है जी, वो रिक्लूज हो जाएगा। सोमना एम्बुलिस्ट, देखो एम्बुल का मतलब होता है टू वॉक, ठीक है, और सोमना मतलब होता है नींद, स्लिप, तो स्लिप में वो करने वाला बंदा क्या हो जाएगा सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनालोक्विस्ट, लोको का मतलब हम लोगों ने किया था बात करने वाला, नींद में बोलने वाला बंदा हो जाएगा। स्टोइक, स्टोइक होता है वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, जिसको ना तो खुशी होती है ना ही दर्द होता है, ऐसे बंदे जो होते हैं ना वो तो स्टोइक होते हैं जी। टी टोटलर होता है जो दारू वगैरह कुछ नहीं पीता हो जी, ठीक है, वो दारू पीने वाला ड्रंक, ठीक है। टोपर होता है या शॉट, देखो टी टोटलर का मतलब होगा दारू ना पीने वाला, और टोपर शॉट होते हैं हैवली ड्रिंक, ठीक है ना, बकवास चीज़। इग्जोरियस, इग्जोरियस का मतलब होता है ऐसा मतलब जो अपनी वाइफ की बात माने, अपनी वाइफ का बिल्कुल उसे प्यार करता है, उसका फोंड ऑफ हो गया, फोंड ऑफ का मतलब हो गया उसके बिना काम नहीं चलेगा जी, ठीक है, समझ जाओ। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब हो गया ऐसा बंदा जिसके मतलब बहुत सारा टैलेंट हो उसके पास जी। वर्सेटाइल नेचर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कई एक्टिविटी कर सकता हो जी, ठीक है। वॉलेंटियर होता है जो अपनी इच्छा से कुछ काम करने वाला बंदा, ठीक है। फिर सैफोलॉजिस्ट होता है ऐसा बंदा जो पीपल के वोट कैसे होंगे उनको रीड करने वाला, उनको स्टडी करने वाला जी, कि कैसे वोटिंग होती है, लोग पहले उनको आधार कार्ड मिलता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद बटन दबाना पड़ता है वगैरह वगैरह, ठीक है जी। फिर आएगा स्क्रिप्चर, क्या स्क्रिप्चर,
जो स्कल्पचर होता है वर्ड उसका मतलब होता है स्टैचू को बनाने वाला, स्टोन से, ठीक है। यूसर, जो ये हम ना यूसर सर ये वर्ड होता है हमारा, एक्चुअल में असर वर्ड होता है ये। असर का मतलब होता है किसी की जब्त कर लेना, असर का मतलब हो जाएगा जो दूसरे को क्या था लैंड देता मनी अनफेयरली और हाई इंटरेस्ट पे, मतलब काइंड ऑफ हड़पने की बात होती है वहाँ पे भी, ठीक है। सोफर, सोफर का मतलब दूसरे की गाड़ी का ड्राइवर, कैब का ड्राइवर होना, ठीक है। पंटर, पंटर का मतलब गैम्बल करने वाला, ठीक है, सट्टे लगाने वाला बंदा, ठीक है, जनरली वो हॉर्स रेस में। ग्लूटन का मतलब होगा, देखो मैंने कराया था वो गली, ग्लूटन क्या था हम लोगों ने, ठीक है, इसका मतलब जो ज़्यादा खाता हो जाए। एक वर्ड और हम लोगों ने किया था इसके लिए, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कहाँ गया वो, गोरमेट, क्या था हमारा वो, गोरमेट, ठीक है जी। गोरमेट कहो या ये कहो हमारा ग्लूटन कहो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, फोंड ऑफ ईटिंग, ठीक है। फिर का मेलिंगर, मेलिंगर का मतलब होता है इल सिक, अपने आप को मतलब ज़्यादा बीमार महसूस करवाए दूसरे लोगों को, दिखावा करे बीमार होने का, ठीक, काम को, काम से बचने के लिए वो मेलिंगर हो जाएगा। फिर का वेंट्रोलोक्विस्ट, वेंट्रोलोक्विस्ट का मतलब होता है ऐसा बंदा जो स्पीक करे अपने होठों को बिना हिलाए, पता नहीं कैसी स्पीकिंग होती है, इशारों इशारों में बात कर लेते हैं लोग आजकल तो। शार्लेटन, शार्लेटन देखो क्या लिख रखा, चार लाते, ठीक है, ऐसे बंदा जिसको चार लाते लगनी चाहिए, देखो पता नहीं क्या है। वन हु क्लेम्स टू हैव नॉलेज और डजेंट हैव, मतलब ऐसा बंदा जिस अपनी नॉलेज होने का दिखावा करे लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। झोला छाप सुना आप लोगों ने वर्ड, वो झोला छाप ही होता है शार्लेटन, ठीक है। क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब होगा जो किसी बात पे इजीली बिलीव कर लेगा। कैकोग्राफिस्ट का मतलब हो गया इसकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, देखो वर्ड होता कैली, कैली का मतलब गुड, और था कैको, कैको का मतलब बैड, ठीक है। और ग्राफी, ग्राफी का सॉरी PHY है, ठीक है, ग्राफी का मतलब होता है टू राइट, ये रूट वर्ड अब यूज होंगे, ठीक है। कैकोग्राफिस का मतलब होता है जिसकी हैंडराइटिंग गंदी हो, और कैलीग्राफी का जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो। ट्रेसपासर का मतलब होता है वो जो किसी की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में विदाउट परमिशन घुस जाते हैं जी, ठीक है, ट्रेसपासर होंगे वो। लोक्वासियस का मतलब ज़्यादा बात करने वाला है। टेसिटर्न जो बिल्कुल बात ना करे, रेटिसेंट भी बोलते हैं इसको, रेटिसेंट को हो या टेसिटर्न को बात एक ही होती है, ठीक है। एक्स्ट्रावेजेंट ज़्यादा खर्चे करने वाला, फ्रूगल मतलब जो बिल्कुल कम खर्चा करे, और माइजर का मतलब कंजूस, ठीक है, वो फ्रूगल टाइप में आ जाएगा। साइनिक का मतलब होता जो डाउट में रहे हमेशा, ठीक है, साइन वर्ड का मतलब डाउट, जो डाउट में रहे कि मैं अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, ठीक है, इसके बारे में वो साइनिक होता है। ओरेटर का मतलब होता जो स्किलफुल स्पीकर हो, अगर आपने सुना ओरेशन वर्ड होता है एक, ओरेशन मतलब भाषण, और ओरेटर मतलब भाषण देने वाला, सिंपल सी बात है। विंडिक्टिव का मतलब होता है जो अपना रिवेंज लेने के लिए मतलब बिल्कुल तैयार है जी, ठीक है, वो विंडिकेट हो जाएगा, विंडिक्टिव हो जाएगा। कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर सिंपल स्टाइल में या पर्टिकुलर उसी आर्ट में रहना चाहे, चेंज को पसंद ना करे, बदलाव उसे पसंद नहीं है जी, वो कंजर्वेटिव होता है जी, ठीक है। फेटलिस्ट होता है जो भाग्य पर विश्वास करने वाला। स्कैपगोट होता है बलि का बकरा, हु इज पनिश्ड टू सेव द गिल्टी, ठीक है, बलि का बकरा होता है इसका। स्मगलर का मतलब आपको पता है जो इंपोर्ट करे एक्सपोर्ट करे जो इलीगली, ठीक है। ओम्बडसमैन का मतलब होता है, ओम्बडसमैन का मतलब होता है ऐसा, ऐसी कोई जॉब होती है, ठीक है, जिसका इसका मतलब पर्टिकुलर काम होता है एग्जामिन करना या रिपोर्ट करना, ठीक है, जो दूसरों के द्वारा बनाई गई कंप्लेंट्स होती हैं जी, ठीक है। कहने का मतलब किसी बंदे ने किसी के खिलाफ कार्यवाही कर दी, किसी के खिलाफ रिपोर्ट लगवा दी, तो उस पर्टिकुलर रिपोर्ट का जायजा लेना ही किसका काम होता है, ओम्बड्समैन का, ठीक है। परवेन्यू का मतलब होता है, ठीक है, जो ऐसा बंदा जो पर्टिकुलर अभी हाल ही फिलहाल में रिच हुआ है, जो अभी अभी अमीर हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट का मतलब देखो, ग्लूटन किया, गोरमेट किया और गोरमेंट, इनका मतलब सभी का जो ईटिंग और ज़्यादा खाने को ज़्यादा पसंद करे, ठीक है, गोरमेट वही दोबारा फिर आ गया। हाइब्रो, हाइब्रो को या स्नोब को हो, बात एक ही होती है, इसका मतलब होता है जो इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो किसमें, कल्चर आइडियाज़ में, ठीक है, कि कल्चर कैसी है, मतलब जो घरेलू बंदे होते हैं ना भाई, देखो आप लोगों ने कि हर टाइप की नॉलेज मिलेगी, उनको बोलते हैं हाइब्रो, ठीक है। कार्टोग्राफर का मतलब होता है जो मैप्स को बनाने वाला होता है जी, ठीक है। कैलीग्राफिस्ट का मतलब होगा जो हैंडराइटिंग अच्छी हो। श्रू, एक्चुअली में श्रूड वर्ड होता है ये, श्रूड, श्रूड का मतलब चालाक, और सॉरी श्रूड का श्रूड होता चालाक, मतलब कनिंग, ठीक है, लेकिन ये श्रू वर्ड है,
मेरे तो रिलेट कर रहा था, ठीक है। श्रू का मतलब होगा बैड टेम्पर वुमेन, ऐसी वुमेन, ऐसी कोई लेडी जो हमेशा गुस्से में रहती है, वो श्रू, ठीक है, वो शालू श्रू होगी, ठीक है। नेम शेक, नेम शेक का मतलब होता है सरनेम होता है किसी का, ठीक है, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर बंदा जिसका नेम सेम ही हो वहाँ पे, जिसका दूसरे का नाम होता है, जैसे नवीन है मेरा नाम, ठीक है, नवीन नाम के दूसरे बंदे भी हो जाएंगे तो क्या बोल देंगे उनको, नेम शेक बोल देंगे, ठीक है। नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट का मतलब होता है जो अपने ही प्रेज करे, ईगो, ईगोटिस्ट बोल सकते हो आप इसको, जो अपने बारे में बोले, ठीक है, अगर वो अपनी ही प्रेज करा इट मीन्स वो नार्सिस्ट है वहाँ पे, ठीक है। कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी का मतलब होता समकालीन, ठीक है। बेलिजरेंट होता, आपने वर्ड क्या था, पगनासियस, पगनासियस जो फाइट के लिए तैयार रहता है उसका मतलब बेलिजरेंट ही होता है जी, ठीक है। एलमेनेक, एलमेनेक का मतलब होता है एक बुक पर्टिकुलर, ठीक है, जो हर साल क्या होती है, पब्लिश होती है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एलुमनस का मतलब होता है मेल स्टूडेंट, और एलुमनी का मतलब होता है फीमेल स्टूडेंट, जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से क्या लिया उन्होंने, क्या लिया है, एडमिशन लिया है जहाँ से उन्होंने पढ़ा है, ठीक है। एनोमली का मतलब होता है एक थिंग और सिचुएशन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वट इज़ नॉर्मल एक्सपेक्टेड। अनोमलस सुना आप लोग, अनोमलस बिहेवियर होता है, अनोमलस मतलब जो जो सोचा था हम लोगों ने वैसा बिहेवियर नहीं है, वही इसका एनोमली का मतलब होता है जी, ठीक है। एनोनिमस का मतलब होता है जिसका कोई नाम ही ना, जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमारे पास। क्रूसेड का मतलब होता है एक रिलीजियस का वॉर होना, धर्म के नाम पर कोई एक युद्ध हो गया, वो क्रूसेड बोल दोगे उसको। एफिशिएसिस का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट दैट वाज वांटेड इफेक्टिव, मतलब देखो एफिकेसी वर्ड होता है ना, एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब होता है जो चीज़ डिजायर्ड है और जिसको हम चाह रहे थे वही चीज़ होगी, उसी को बोलते हैं एफिकेसियस, ठीक है जी। ग्रेटिस, ग्रेसिया वर्ड होता है एक, अगर आपने सुना हो तो, ग्रेसिया, इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ें करना जिसके लिए हम लोग पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है जी। मर्सनरी जॉब सुना हो आप लोगों ने वहाँ पे, ठीक है, हम लोगों ने किया था वर्ड। ओब्सोलीट का मतलब होगा जो चीज़ पुरानी होगी, अब तो वो आउटडेटेड होगी, चलने में नहीं है, ठीक है। कंसेंग्युनिटी का मतलब होता है रिलेशनशिप होना, ठीक है, और सेम फैमिली से होना, ब्लड रिलेशन के लिए यूज करते हैं सेंग्विन वर्ड को, ठीक है। बाकी सेंग जो वर्ड होता है ना, सेंग, इसका मतलब ही ब्लड होता है जी। एक्सकर्जन, एक्सकर्जन होता है शॉर्ट जर्नी, ठीक है, जो हमारे मतलब मज़े करने के लिए, पिकनिक के लिए जाना कहीं पे, वो एक्सकर्जन होता है। एमनेस्टी का मतलब होता है पार्डन, माफ़ी, ठीक है, प्रिजनर्स को दी जाती है। स्ट्रोल का मतलब होता है एक बिल्कुल हल्के तरीके की वॉक, ठीक है। मोन्यूमेंटल होता है ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ होना जिसकी इंपॉर्टेंस और इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे जी, ठीक है, लोग बहुत मानते हैं उसको। डोटेज, डोटेज का मतलब होता है एक ऐसी एज जहाँ पे बंदा चीज़ों को अच्छे तरीके से सोच नहीं पाता, ठीक है, माइंड अच्छा तरीके से काम नहीं करता उसका, वहाँ पे वो डोटेज होती है। सुपरफिशियल का मतलब हो गया समथिंग दैट अपीयर्स टू बी ट्रू अंटिल इट इज़ लॉक्ड और मोर केयरफुली। सुपरफिशियल का मतलब हो, जैसे कई चीज़ें होती है ना कि हम दूर से देखें तो ओरिजिनल लगती है, लेकिन जब हम लोग थोड़ा एग्जामिन करके देखते हैं ना उसको, तो वो ओरिजिनल नहीं होती है, तो वही होता है सुपरफिशियल होना। मोजाइक का मतलब होगा एक पिक्चर और पैटर्न जो चीज़ों को साथ साथ रख के बनाया गया है, ठीक है। डिपोर्ट का मतलब होगा किसी बंदे को फोर्स करना, ठीक है, कंट्री को लीव करने के लिए, छोड़ने के लिए। एजेंडा होता कोई पर्टिकुलर लिस्ट होना कि हम आगे आगे क्या क्या करेंगे, ठीक है। इंटरसीड का मतलब होता है, नेक्स्ट वर्ड हमारा इंटरसीड, इंटरसीड का मतलब होता है देखो किसी बंदे को मनाना कि किसी बंदे पर वो दया कर ले जी। कई बार होता है ना कि हमें किसी बंदे से हेल्प चाहिए और उसकी हेल्प लेने के लिए किसी दूसरे बंदे की सहायता चाहिए, तो इंटरसीड करना पड़ेगा हमें वहाँ पे जी, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है इंटरडिक्ट, इंटरडिक्ट का मतलब होता है पर्टिकुलर कोई ऑफिशियल ऑर्डर आना जी, ठीक है, वो कोर्ट का जनरली ऑर्डर होता है कि हमें कोई काम नहीं करना वहाँ पे जी, इलीगल, मतलब इलीगल कोई काम कर रहा होगा उस काम को हटाने के लिए इंटरडिक्ट किया उन्होंने, ठीक है। फिर आएगा इंटरडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कोई ऐसा एरियाज या कोई पर्टिकुलर नॉलेज का क्या होना, एक दूसरे से डिफरेंट होना। कहने का मतलब होता है जैसे इंटर का मतलब पहले तो ये समझना दोस्तों, कई चीज़ों का एक साथ मिलना, ठीक है, अगर वो नॉलेज के मामले में है, वो स्टडी के मामले में है, तब यूज़ करेंगे इस वर्ड को इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है जी। इंटरलूड, इंटरलूड का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू इवेंट्स विच समथिंग डिफरेंट हैपन्स। देखो दोबारा पढ़ते हैं, अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू इवेंट ड्यूरिंग विच समथिंग डिफरेंट हैपन्स, मतलब हम लोगों ने कुछ सोचा था कि इसके होने के बाद कुछ ये होगा,
हम लोग सोच लिया, लेकिन अगर कुछ डिफरेंट हैपन हो जाए तो उस डिफरेंट होने में और जो हम लोगों ने सोचा था उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो होता है इंटरलूड होता है जो वहाँ पे, ठीक है। बाकी समझना ही पड़ेगा आपको मीनिंग यहाँ पे। पैट्रीमनी, पैट्रीमनी का मतलब होता है प्रॉपर्टी दैट इज़ गिवन टू समबडी। जैसे अपने फादर के मरने के बाद किसी बेटे को ज़मीन का या जायदाद का मिलना, वो होता है पैट्रीमनी, ठीक है। एलिमनी डाइवोर्स के बाद मिलती है, ठीक है। फिर आएगा पायरिक विक्ट्री। पायरिक विक्ट्री का मतलब होता है एक विक्ट्री दैट इज़ नॉट वर्थ विनिंग। जीत तो गए लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ कुछ उसका, नुकसान होता ना ही हो गया वहाँ पे, ठीक है जी। इडियोसिनक्रेसी का मतलब होता है पर्सन दैट पर्सन पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग। सन की बोलते हैं इसको जनरली, ठीक है। इडियोसिनक्रेसी को किसी पर्टिकुलर बंदे का बिहेव करने का, सोचने का तरीका, ठीक है, सन की टाइप का होता है। एफिडेविट, ये तो पता सभी को, एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है जो आपको मतलब एक दिलासा देती है कि आप एविडेंस कि आप कोर्ट में इसी जगह के मतलब क्या हो, इसी जगह के रहने वाले हो, ठीक है, आपके पास ये चीज़ें हैं, ठीक है जी, वो एफिडेविट होता है। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप का मतलब होता है फर्स्ट डिज़ाइन ऑफ समथिंग फ्रॉम विच अदर फॉर्म्स आर कॉपीड। जैसे क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर ओरिजिनल होता है ना, कॉपी तो हर जगह मिल जाएंगी लेकिन एक ओरिजिनल चीज़ तो ओरिजिनल ही होती है, तो उस ओरिजिनल चीज़ को क्या बोल दोगे आप लोग, प्रोटोटाइप। परजूरी, परजूरी का मतलब होता है क्राइम ऑफ टेलिंग अ लाई, ठीक है। मतलब एक क्राइम ही होता है ये झूठ बोलना कोर्ट में। स्टब, स्टब का मतलब जैसे सिगरेट होती है ना, इस सिगरेट का जो लास्ट वाला जिसको मतलब यूज़ नहीं किया जाता है स्मोक करने में, वो स्टब होता है। एक्सोडस का मतलब होता है एक ही जगह से बहुत सारे पीपल का एक टाइम से निकलना, वो एक्सोडस होता है जी, ठीक है। इंडिक्टमेंट होता है किसी पर्टिकुलर, जैसे हम लोगों ने किया था अभी इंटरडिक्ट। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है ए रिटन स्टेटमेंट अक्यूजिंग समबडी ऑफ अ क्राइम, किसी को इंडिक्ट करना। इंडिक्ट का मतलब अक्यूज़ करना, किसी के ऊपर आरोप लगाना, ठीक है। विंडफॉल का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर मनी, अमाउंट ऑफ मनी मिलना, जैसे लॉटरी लगी किसी की अनएक्सपेक्टेडली, किसी ने सोचा ही नहीं था ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है, विंडफॉल हो गया। सोजर्न, सोजर्न का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर छोटी जगह पे एक थोड़े टाइम के लिए रुकना, एक टेम्परेरी स्टे करना, ठीक है, जो घर से बाहर होते जगह। स्ट्रट, स्ट्रट का मतलब होता है टू वॉक प्राउडली टू शो दैट यू हैव थिंक यू आर इंपॉर्टेंट। अपने आप को ज़्यादा वैल्यू देने के लिए एक पर्टिकुलर वॉक करना प्राउडली फील करके, वो होता है स्ट्रट, ठीक है जी। सेटायर वर्ड होता है ए ह्यूमरस क्रिटिसिज्म। आपने देखा हो कई बार कि मान लो बात तो कह गया, वो बाद में बेइज्जती भी कर गया, तो इस टाइप का जो बंदा होता है ना, वो सेटायर टाइप की बातें करता है जी, ठीक है। फिर एक एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है पर्सन लिविंग इन ए कंट्री दैट इज़ नॉट इज ओन। मतलब ऐसा बंदा एक पर्टिकुलर कंट्री में रह रहा है जो उसकी खुद की नहीं है जी, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे हम लोग, और आई थिंक मैंने कुल मिला के 450 के करीब आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। सिर्फ इस वीडियो को आप देखता है रिपीट मोड में देखना, ठीक है, स्पीडोमीटर लगा के देखना, कहीं हद तक आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा जी। देखो ये तो बात गारंटी है ही जी, ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर मेहनत करोगे, अगर इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लोगे तो इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके बाद थोड़ा कुछ ऐसा बताओ कि जिससे मैं आगे वाले आने वाली वीडियो में इंक्लूड कर पाऊँ कि आपको किस चीज़ के ऊपर या किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है जी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही जी, थैंक यू जी।